मेरी हमेशा से स्पाइडरमैन को किस करने की इच्छा थी। And I always wanted to make out with an angel. Let's kiss. अरे जय जय उठना जय जय उठ जय आंखें खोल यार जय जय आंखें खोल जय हाँ खोल ना आंखें खोल जय जय जब हम हमारी आखिरी सांस आर्टिफिशियली लेते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हमारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं या हमारी प्रॉपर्टीज कितनी हैं। सिर्फ हमारे बेस्ट मेमोरीज हमारी आंखों के सामने एक साथ आ जाती हैं। जितनी ज़्यादा मेमोरीज हम उतने ही ज़्यादा अमीर होते हैं। मेरी भी कुछ हैं। हर किसी की लाइफ में क्रेजीनेस को ऐड करने के लिए कुछ अनजान लोग आते रहते हैं। वो हमें एक नई दुनिया से मिलाते हैं, उन्हीं को दोस्त कहते हैं। मेरी सारी यादों में बस यही है, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स। ये है ध्रुव। दिखने में जितना स्ट्रांग है उतना ही सेंसिटिव है। हमारी गैंग के खिलाफ कोई भी आए पहले इसी का हाथ उठता है। यह है बंटी, हमारी गैंग में क्रेजीएस्ट। हर प्रॉब्लम का इसके पास एक अजीब सॉल्यूशन होता है। यह है आर्या। हम सबसे ज्यादा दुनियादारी की समझ बस इसी को है। जिंदगी में हर पल अपनी मर्जी से जीने की कोशिश करता है। और यह मैं हूं। मुझे सब लोग स्वीट एंड इनोसेंट कहते हैं, शायद इसीलिए मेरे दोस्त बचपन से मेरे पापा की कमी मुझे महसूस नहीं होने देते। हुआ रे दिल को तो कुछ हुआ, गया रे सीने से दिल गया। हमारी शक्ल हमारी हरकतों से बिल्कुल भी नहीं मिलती, लेकिन हम सबके सोल एक दूसरे से पूरी तरह से मिलते हैं। हुआ रे दिल को तो कुछ हुआ, गया रे सीने से दिल गया। हमें 10th में जो 3rd class मार्क्स मिले थे, हम पढ़ाई अच्छी करें इसलिए हमारे टिपिकल मिडिल क्लास पेरेंट्स ने हमें विजयवाड़ा की जेल में डाल दिया, और उस जेल का जेलर यही है। जेल में पढ़ाई तो नहीं होती है ना, इसलिए बाकी सब कर लिया। चीयर्स। कैसी है रे? कैसी है? मस्त है ना? अरे बहुत अच्छी है। कैसी है? दुनिया में अमृत होगा तो यही होगा। अबे मुझे दे। वाह वाह। हे, शायद इसीलिए हमारे घर के पास जितने भी अंकल हैं रात को ठंडी बियर पी के सारी टेंशन भूल के मजे से नाचते हैं। सच में। हे, अपनी सरकार को पानी की जगह बियर सप्लाई करनी चाहिए। अरे यार वो सब छोड़ना, हम सब हमेशा ऐसे मिलकर रहेंगे यार। हाँ यार, लाइफ में हम कभी भी लड़की के लिए या पैसों के लिए ना झगड़ा करेंगे और ना अलग होंगे। जिंदगी भर ऐसे ही बियर पीते हुए बिना किसी टेंशन के हमेशा खुशी से रहेंगे यार। हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे भूकंप भी क्यों ना आ जाए, लेकिन हम हमेशा साथ रहेंगे। प्रॉमिस 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 प्रॉमिस। ये हमारी लाइफ की पहली बियर थी, और बियर के नशे में
हमने हमेशा साथ रहने का वादा तो कर लिया, वही कॉन्फिडेंस हमें कॉलेज की दीवार कूदने से रिकॉर्डिंग डांस तक ले गया। अरे धीरे चढ़ वरना वॉचमैन देख लेगा। हाँ ठीक है ठीक है, आराम से ठीक है ठीक है, आराम से आराम से। हाँ चढ़ चढ़ जा यार, ये तो घोड़े बेच के सो रहे, लगता है पेग लगाया होगा। चल निकलते हैं यहाँ से। ये हमारी एजुकेशन फेज का लास्ट डे है और यहीं से हम असली दुनिया में एंटर होने वाले हैं। सबकी लाइफ इसी स्टेज से शुरू होती है, हमारी भी शुरू हो गई। गलती इसकी नहीं है, उस शेखर कमल की गलती है। हाँ यार, उस थ्री इडियट मूवी ने हमें धोखा दे दिया। अबे करीना जैसी कोई लड़की नहीं है अपने कॉलेज में। यार 4 साल से हम इस कॉलेज में हैं, अब तक एक लड़की भी हमसे नहीं पटी यार। अच्छा, लड़की मिलेगी तो क्या करेगा? ऐसे तुम सबके सामने बताओ क्या? ए, जब तक लड़की नहीं मिलती हम उनके पीछे भागते हैं, मिल जाने के बाद वो असली रंग दिखाती हैं। वो कैसे यार? इसे देना। क्यों यार? लड़कियां जो होती हैं बॉम्ब की तरह होती हैं, दूर से देखने में अच्छी लगती हैं, और जैसे ही उनके पास जाके उनसे प्यार करने की कोशिश की ना, समझ ले बॉम्ब में आग लगा दी, देन ब्लास्ट। ए, चल जा। अबे ये कैसी बकवास बातें कर रहा है यार? अबे सही तो कह रहा हूँ। हट हट यार, हमने भी मन से पढ़ाई की होती तो अच्छी गर्लफ्रेंड मिल जाती शायद। अच्छा, वो भी इस पढ़ाई से? अबे अपने बाप दादा के टाइम से यही सिलेबस है, और जो लेक्चरर है उनके पास भी नॉलेज नहीं है। अबे पूरा दिमाग खराब हो जाता है इस कॉलेज में। बचपन से ही सब कहते हैं मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, कहते हैं ना, लेकिन बड़े होने के बाद सब नालायक बन जाते हैं। पता नहीं और कितने लोग नालायक बनेंगे। 4 years fully waste। इसके सिर में डालता हूं। एक दिन में लिख के दे दूंगा यार। क्या भाई आप यहीं पर हो, इंटरव्यू के लिए नहीं गए क्या? गधे बनाने की फैक्ट्री में हम नहीं जाना चाहते, हेल्थ खराब हो जाएगी। अरे क्या भाई, मैं आप लोगों को नहीं जानता क्या? आपको कोई देखकर गेट के अंदर भी नहीं लेगा। क्या बे, ज्यादा बोल रहा है क्या? तुझे खाते के पैसे चाहिए या नहीं? चाहिए भाई। तो चुप बैठ। ए दोस्त। क्या यार,
मेरी जॉब कंफर्म हो गई यार। कांग्रेट्स यार, अब हम खुशी से जॉब कर सकते हैं। हाँ भाई, पढ़ाई करके जॉब मार ली तूने। सतीश, तेरी सैलरी कितनी है? 70K पर मंथ। 17K? तेरी? मेरी भी 17K है। ओहो, कौन सी कंपनी है? वेल, अब ये दोनों जिंदगी भर घंटा बजाएंगे। तेरा परसेंटेज कितना है? 85%। ओहो, तेरा? 63%। इसकी और मेरी कंपनी एक ही है और सैलरी भी एक ही है। ए, उस कंपनी के 15-20 हजार के लिए अपना टैलेंट क्यों वेस्ट कर रहा है? खुद का कोई बिजनेस खोल, तरक्की करेगा। तू हमें बताएगा क्या? अबे ऑफिस नहीं जाना क्या? तू बस कर यार, चल चल चलते हैं। दोनों यार, दिखना नहीं समझे? कान के नीचे देना था। अच्छा हुआ तू नहीं बोला, वरना बुरा मान जाता। छोड़ यार, छोड़ ना। हे लेक्चरर, लेक्चरर। अरे यार, अब क्या करें? ऐसे सिगरेट पीते हुए टाइम वेस्ट किए बिना पढ़ाई कर ली होती तो तुम भी इंटरव्यू अटेंड करके अच्छी जॉब हासिल कर लेते। वाह, क्या लेक्चर दिया। जाइए सर, जाइए। कौन से लेक्चर की बात कर रही है? अरे वही यार, हमें M1 पढ़ाया था ना। अरे यार, इसी ने मुझे फेल करवाया। नहीं याद है मुझे, तो जल्दी क्लियर कर ले। अरे भाई, परसों एनुअल डे पे आपने परफॉर्म किया था ना, सुपर गिटार बजाया था भाई। ओके ओके, कौन से ईयर का है तू? फर्स्ट ईयर भाई। फर्स्ट ईयर है? हाँ भाई। कान में छेद क्यों करवाया है? अरे ऐसे ही भाई, एटीट्यूड। हाँ, अरे नहीं नहीं भाई। क्या रे, जूनियर्स हो के तुम लोग सीनियर से इंट्रो नहीं करोगे? करेंगे ना भाई। और तू? करेंगे ना भाई। तो फिर चलो मेरे साथ। Cheers! अरे लड़कियों की तरह ब्रीजर क्यों पी रहा है? ए भाई, दो बियर लेके आ। ए, स्टाफ ऑर्डर करना। हाँ बोलना। हाँ। भाई साथ में चकना भी ले आ। ओगदे, बिल ये लोग पे करेंगे ना। ओ, तो फिर लिख। 4 ऑमलेट, 10 बॉयल्ड एग, 3 तंदूरी चिकन, 2 ब्रेस्ट पीस, 1 प्लेट बोटी और 1 फिश फ्राई। भाई भाई भाई, क्या हुआ, तुझे कुछ चाहिए? नहीं भाई। ए, अपना बैग दे। दे ना। ये रहने दो ना भाई। अबे तू दे ना, डर क्यों रहा है? दे, ए बैग दे। क्लास में लड़के कैसी है? अच्छी है भाई। भाई रहने दो ना भाई। तू रुक ना, क्या है देख, बच्चों की तरह टिफिन लेके आया ये। उपमा है भाई। चल ये ध्रुव ले। इसमें काजू है कि नहीं? ये क्या है, क्या है ये? भाई भाई ये रहने दो, रहने दो भाई। ग्रीटिंग कार्ड है क्या? अरे भाई देख इसे, लव लेटर होगा। यार ये किसके पासेस है? कॉस्ट्यूम पार्टी के पासेस है भाई। कॉस्ट्यूम पार्टी? हाँ। मतलब? मतलब कॉस्ट्यूम थीम्स भाई, सुपर हीरोज, गोस्ट। अबे ये वैसे जो कॉस्ट्यूम पसंद है उसमें आते हैं। ये तो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन जैसा लग रहा है, US में हेलोवीन की तरह ना। एक तरह से वही है भाई, खूब पीकर बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। लड़कियां होंगी ना? बहुत होती है भाई। अरे एकदम मस्त होती है, छोटे छोटे कपड़े पहनकर बहुत सुपर लगती है। बहुत एडवांस हुआ तुम लोग। थैंक्स भाई। ले इसे पकड़, अंदर रख। हाँ भाई 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 प्लीज। अरे भाई दोनों जाने दो। अबे रुक जाना भाई, सिर्फ 4 पासेस है भाई। कोई बात नहीं, हम भी 4 हैं। अच्छा ये बता भाई, इसमें अल्कोहल इंक्लूड है या नहीं? भाई सिर्फ एंट्री तक ही पासेस हैं, अंदर सब खरीदना पड़ता है। सुन बे, बहुत जान पहचान होगी, अब जाके बिल दो। चलो निकलो, चल 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 चलो चलो, उठो उठो, निकलो जल्दी। बहुत पी लिया, क्लास में जाकर सो जाओ यार। चलो। अरे ध्रुव, आते वक्त 1 कर्टन बियर लेके आना। क्यों यार, हम तो पार्टी में जा रहे हैं तो फिर वहीं खरीद लेंगे। अबे गधे, वहाँ 1 ड्रिंक का 500 लगेगा। वो पैसे खर्च करने से अच्छा कि हम बाहर से टल्ली होके जाएं। हाँ तो यहाँ फुल चढ़ा देते हैं, वहाँ खरीद लेंगे। वाह वाह, कमाल कर दिया, तो सच में भगवान है बंटी। आ जा। Yes! आज मजे करेंगे यार। ए, आज पार्टी में 4 लड़कियों को पटाएंगे। हाँ वो ठीक है, लेकिन पीके गिर मत जाना। ए, ऐसी बात नहीं यार, इस टेलर ने इतना टाइट क्यों बनाया यार? यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो फुल सेफ हूँ यार, बहुत कंफर्ट लग रहा है, फुल फ्रीडम है यार इसे। अरे जेकी मां, जेकी मां। काम धंधा ही नहीं है, पता नहीं मेरे बेटे को कब छोड़ेंगे ये। द स्पाइडी हैज अराइव्ड। ओ शिट, मम्मी बेटा गया। स्पाइडरमैन की तो लग गई। क्या है ये सब, तू कभी बदलेगा नहीं क्या? हमेशा इन निकम्मे दोस्तों के साथ पीने और घूमने के अलावा और कुछ काम ही नहीं है तुझे लाइफ में। ए, इसे पूरी तरह बर्बाद करके ही छोड़ोगे ना तुम लोग? हाँ, जाकर कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढते? हम लोग तो वही कर रहे हैं ना। छी। अरे क्या तूने भी क्लास लगवा यार। अरे क्या यार, अरे चल चल बात हुई क्या? ये बिया पी ना। हे ध्रुव, इसे पकड़। गली गली तेरी आ चली। जय महेश्वरी। Cheers! लाइफ में अगर क्रेजीनेस ना रहे तो लाइफ का क्या फायदा?
हमेशा से स्पाइडरमैन को किस करने की इच्छा थी। And I always wanted to make out with an angel. Let's kiss. ये हवा में क्या कर रहा है? कहीं मिलावटी दारू तो नहीं पी ली? क्या कर रहा है स्पाइडी? Cheers! चल बॉटम स्विप करते हैं। अरे यार, मुझे एक लड़की पसंद आई है। हाँ? अभी देखा उसे। व्हाइट कलर एंजल कॉस्ट्यूम में आई थी यार। अरे को एक लड़की पसंद आ रही है। कहाँ पर है? कहाँ पर? बता ना, बता ना, बता ना। वो देखो, वो लड़की है। अरे क्या बात है, भाई। अरे यार तुम लोग कुछ करो ना मेरे लिए। क्या करूं यार? यार मुझे क्रेजी आइडिया है, मैं सेट करता हूँ। ए वेटर। हाँ हाँ ओके। किसने दिया ये? उन्होंने। थैंक यू। ओ शिट। व्हाट द हेल? अरे नाक से खून आ रहा है यार। उसने मुझे बस एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट किया था और तुमने? अभी आराम से मारा है। इस चीज़ तो मैं। अरे ए, तुम लोग रुको, मैं जाता हूँ, बताता हूँ उसे। अरे तो मैं। Why did you hit him? Excuse me. Hold this. भाई से पकड़। ओए तूने मेरे दोस्त को मारा कैसे? तेरी तू यहीं रुकना। तू निकाल निकाल। तुम पागल हो गए हो क्या? अरे यार, पार्टी में कोई लड़की पटा के बस एंजॉय करना चाहता था यार, और ये झगड़ा हो गया यार। इसकी तो नाक टूट गई और इसका गाल सूज गया और इसको तो चाटे पड़ गए यार। इससे तो बुरा और कुछ नहीं हो सकता था। ए भाई मुंह दो इसमें। ए ठीक से फूंक। सर रिकॉर्ड ब्रेक हो गया सर, मीटर रीडिंग 236। अब यही होना बाकी था। ए कार से बाहर आओ, बाहर आओ। सर 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 प्लीज सर, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है सर, उन्हें अगर पता चल गया तो मेरी बैंड बजा देंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ऐसे ही घर जाओ। हाँ। अपने पापा को बुला कर लाओ, डायरेक्टली उनसे बात करते हैं। सर ए रुक जा। सर एसपी नारायण मूर्ति मेरे अंकल हैं। ओ क्या बात है, वेरी नाइस। एक बार सर को कॉल करो, बात करते हैं। चाबी दे दे। कांस्टेबल सर, आरसी लेकर कार सीज कर दो। हाँ ठीक है सर। इन लोगों ने मीटर रीडिंग में रिकॉर्ड ब्रेक किया है, स्पेशल ट्रीटमेंट प्लान करो। ओके सर। चल हट। ए, अभी वो गया नहीं बे। अबे चल हट, एक और सिगरेट जलाता हूँ। पता नहीं अब मेरा बाप कितना डांटेगा और साथ में मार भी खानी होगी। No milk. ए, बोर्ड अंदर रख, बोर्ड ठीक से पकड़। आज क्या कर रहे हैं यार? शाम को क्रिकेट मैच है ना। ठीक है चलते। आजा 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 आजा। उसे एंजल की बहुत याद आ रही है यार। बेटा वो तो तुझे कब की भूल गई होगी। ऐसा ही होगा क्या? अबे तू उसके बारे में इतना सोच क्यों रहा है? मैच देखना। चल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रुक रुक रुक। ओके ओके। हाय, हु इज दिस? हाय,
दिस इज रिया। सॉरी आई डोंट नो एनीवन नेम्ड रिया। वही जिसके लिए तुमने वेटर से नोट भिजवाया था। ओह माय गॉड, अरे उसी लड़की ने कॉल किया है। कौन, कस्टमर? कैसे? अरे नहीं यार, वो एंजल। हे रिया, तू तो गया बेटा। मतलब मेरा नंबर सेव कर लिया तुमने? कैसे हो? आई एम डूइंग गुड, बस नाक थोड़ा सा सूज गया। हे, आई एम सो सॉरी फॉर व्हाट दैट इडियट हैज डन। या इट्स ओके, उसने मारा इसीलिए तो तुमने मुझे कॉल किया। वो नहीं मारता तो भी कॉल करती। ओह कूल। तुम गिटारिस्ट हो ना? या, तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा नाम और नंबर एपी में सर्च किया था तो पता चला। ओह कूल। आई वॉज थिंकिंग लर्निंग टू प्ले द गिटार, कैन यू टीच मी? या डेफिनेटली। परफेक्ट। आर्या, अरे आर्या, अरे आर्या। हाँ, बहरा हो गया क्या? सॉरी सॉरी। आर्या 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 आर्या। अरे यार, क्या शॉट मारा है तूने। कम ऑन ध्रुव। ए आर्या रन, अबे रन। अरे आर्या भाग भाग जल्दी, फेंक दे। अबे गधे तोड़, कम ऑन कम ऑन। ये आउट है, ओश क्या बात है। क्या है? आउट है, आउट है यार। ये तो हाथ कैसे लग रहा तूने? यार एम्पायर को किसने फाइनल लिया? एम्पायर ने बोला ना यार आउट आउट, दैट्स ऑल। देख क्या रहा है। ठीक है ठीक है, एम्पायर में आउट है ना, बात करना आउट। ये ले भाई, तू भी ना। मुझे ये वाली चॉकलेट चाहिए। चॉकलेट पक्का? नहीं 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 नहीं, मुझे वैनिला चाहिए। कोई एक ऑर्डर करो। मुझे चॉकलेट चाहिए। चॉकलेट पक्का? पक्का पक्का पक्का। वन चॉकलेट जी। और क्या, चिप्स भी चाहिए तुम्हें? ये लीजिए मैडम, ये लो। एक्सक्यूज मी, गीता। तेरा करीब आना, हंस के तेरा जाना, तेरे सामने आते ही मेरा दिल खो जाना। तेरे बिना क्यों लगे है मैं अकेला, दिल तो चाहे संग तेरे रहूं मैं सदा। पिया What happened to you? What a transformation! I can't believe this. Come. बैठो। हाँ, अच्छा इतने सालों से कहाँ थी? तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ की सारी हैप्पीनेस चली गई। मेरे साइको डैड ने स्कूल के बाद मुझे गर्ल्स कॉलेज में डाल दिया। स्मार्टफोन भी नहीं है, कहीं जाने भी नहीं देते, किसी के साथ घूम नहीं सकती, कहीं भी जाना चाहूँ तो इस गोलू को साथ ले जाना पड़ता है। तू खाता रहे बेटा, पूरी लाइफ टॉर्चर हो गई है। इसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढ लो। देखो घर में रहने से कितनी सुंदर हो गई हो तुम। अभी मैं आ गया हूँ ना, तुमने लाइफ में जो भी मिस किया है वो सब मैं दिखाऊंगा, ठीक है ना? वो पॉसिबल नहीं है, मेरे डैड मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते। वो सब मैं देख लूंगा। फ्रॉम नाउ ऑन योर जॉब इज टू बी हैप्पी। बस आर्या का फर्स्ट लव गीता, वो उसे दोबारा मिल गई और मुझे एक लड़की ने अपने घर ही बुला लिया। हाय। ओह सो क्यूट। सॉरी सॉरी, इट्स ओके ओके। कम आ जाओ। डैड, दिस इज माय फ्रेंड जय। हाय अंकल। हाय जय, मुझे भी गिटार सीखना है, सिखाओगे? या श्योर अंकल,
रिया मैं बाहर जाकर आता हूँ। या कम विच कोड कोड ई ओह ओके एंड दिस वन इज सी कोड नाइस आप कैन आई ट्राई या श्योर यस ये लो सपने में भी नहीं सोचा था कि आर्य और गीता फिर मिलेंगे इट्स ऑल इन द लॉर्ड ऑफ रिंग्स मैन और उस जय को देख उसको इतनी हॉट कैसे मिल गई अबे तेरी प्रॉब्लम क्या है वहां देख इसे कहते हैं लाइफ हमारी भी एक गर्लफ्रेंड होती तो कितना अच्छा होता अबे गधे तुझे भी लड़की चाहिए ना हाँ यहाँ की गली गली में लड़कियां हैं तेरी वाली मैं तुझे ढूंढ के दूंगा बेटा वो कैसे इधर आ टिंडर पे लॉगिन कर इस ऐप पे लड़कियां लड़कों को और लड़के लड़कियों को इजीली डेट के लिए सेट कर लेते हैं इसमें हाय बाय ऐसा कुछ नहीं होता सिर्फ व्हेन वेयर बस सुपर्ब यार बंटी सुपर्ब यार मेरे लिए भी करना सेट बंटी प्लीज अगर लड़की अच्छी लगी तो राइट स्वाइप करो नहीं अच्छी लगी तो लेफ्ट स्वाइप करो पसंद आया तो वो एक्सेप्ट करेगी अब बात है बंटी प्लीज मेरे लिए एक सेट करना प्लीज प्लीज अच्छी है अच्छी है बहुत अच्छी है अच्छी है नहीं अच्छी है ए, अच्छी है ये इतनी अच्छी तो थी डेट भी मैं सेट करूं या खुद कर लेगा ठीक है तू अबे ले करना नहीं नहीं अबे करना तू करना प्लीज यार एक लड़की ने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया क्या बात है बंटी मेरे लिए भी करना यार प्लीज फ्रेंड को लाने के लिए बोलूं Hi, get your friend also. We'll go for a double date. अरे क्या यार मान गई अपनी फ्रेंड को लेके आ रही है क्या बोली वोडाफोन का बिल पे करने के लिए बोली है करेगा करना ले ले नहीं नहीं ठीक है जेब में पैसे नहीं चला है लड़की पटाने ओबे भाई कह रही है कि डेट पे फ्रेंड को लेके आई है इतनी क्या बात है यस 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 किसी ने देखा तो नहीं कैसे जाऊं यार हाँ ये हाय तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे डैड देख लेंगे तो मारेंगे वाओ देखो इस चांदनी में कितनी सुंदर लग रही हो यहीं बैठा रहूं या अंदर भी बुलाओगी कम 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 अच्छा मेरा शॉट यहाँ तक आया था क्या क्यों यहाँ मत खड़े हो नेबर्स देख लेंगे यहाँ बैठो अरे ए तुम टेंशन मत लो कोई नहीं देखेगा वैसे तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ गेस करो क्या है क्या है सरप्राइज हो जाओगी ये लो ये क्या है देखो तुम्हें याद है मैं कुछ नहीं भूला सो स्वीट थैंक यू आसमान कितना सुंदर है ना वो चांद वो स्टार्स एक्चुअली तुम फोन दो किस लिए फोन दो ना ओके क्या कर रही हो ये देखो क्या है वो सी अरे देखो हमारे स्टार्स ज़ोडियक साइंस क्या इसमें स्टार्स भी दिखते हैं या क्रेजी है ना एक्चुअली मुझे स्टार गेजिंग बहुत पसंद है ओके ये स्टार्स इनके मोमेंट्स की वजह से हमारी लाइफ्स बदलती हैं कहीं तुम ज्योतिष तो नहीं हो गई हो या मुझे पाम रीडिंग बहुत पसंद है हाँ दिखाओ पाम रीडिंग पसंद है बताओ अभी मैं क्या करने वाला हूँ ओके ये लकीर कह रही है हम लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे ओके ये लकीर कह रही है हम क्लब में डांस करेंगे इतनी लकीरों के बारे में बताया
तो ये बताओ कि ये बड़ी वाली लकीर क्या कह रही है? रिया, I have to leave. मैं तुम्हें अब गिटार नहीं सिखा सकता। पर क्यों? मुझसे नहीं होगा रिया। जय, तुम्हें अचानक से क्या हुआ? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें कैसे बताऊं। तुम्हें देखता हूं, छूता हूं तो मुझे कुछ कुछ होता है। स्पेशली तुम्हारे गर्दन पर वो टैटू, मेरा पूरा फोकस उसी पर है। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ओके, काम डाउन, काम डाउन, काम। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी फ्रेग्रेंस, तुम्हारे बाल पीछे करने का स्टाइल, इट्स ऑल ड्राइविंग मी क्रेजी। मैं बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहा। इट्स बेटर हम दोनों मिलना बंद करें। यार, ये फेशियल करवाने के बाद लड़की तो पटेगी ना यार? हाँ भाई, चमका दे भाई। भाई उसी हाथ से इसे थोड़ा चूना भी लगा दे, लड़का एकदम चमकने लगेगा। ए तू चुप ना यार। ए बंटी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार, एट द सेम टाइम डर भी लग रहा है यार। किसके लिए भाई? यार अगर वो लड़कियाँ फोटोज में सुंदर और असल में बदसूरत निकली तो फिर क्या करेंगे हम? एक बार उठना। अबे पागल, वहाँ जाने के बाद अगर लड़की अच्छी लगी तो ही उस लड़की को डेट पे ले जाएंगे, और अगर नहीं लगी तो फेक अस्थमा अटैक। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे दोस्त को क्या हो गया? ऐसा कह के निकल जाएंगे। सिंपल। सुपर बंटी, तू कमाल है यार। अबे तू पागल हो गया है क्या भाई? फेस पैक ही तो है यार। चल बैठ जा। यार बंटी, इस डेट को लेकर ना मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तू कमाल है बंटी, सच में। ये प्राइस टैग तूने अभी देख निकाला? छूना मत, छूना मत, छूना मत। क्या हुआ? अबे तू जानता नहीं है कितने का है? कितना? अबे पूरे 8,000 का है। 8,000? हाँ। तो क्या हुआ? आज ही खरीदा है। हाँ। एकदम नया है। डेट से लौटने के बाद हाँ। इसे वापस कर दूंगा मैं। वाह वाह बंटी, तू सुपर्ब है, कमाल, सच में। अरे क्या हुआ, पहुंच गए क्या? डैशबोर्ड से मीटर निकालना। थर्टी 37 मैनेजेबल है। चल चलते हैं। ये कहां से आया तेरे पास? याद है ना लास्ट टाइम ड्रंक एंड ड्राइव में पकड़े गए थे? वो कॉस्ट्यूम पार्टी वाले दिन। वहीं से उठा लिया। यार तू ना विराट कोहली से भी ज्यादा फॉर्म में खेलता है। अब चल इसी फॉर्म में लड़कियां भी पटाते हैं। यार बंटी, हाँ? परसों मैंने एक सर्वे में पढ़ा था। किस बारे में? जब 20 से 25 साल में हो तो साल में 122 बार सेक्स करना चाहिए, नहीं तो तबीयत खराब हो जाती है, समझा? 1, 2, 3। अबे शायद इसीलिए मुझे बहुत कमजोरी सी महसूस हो रही है यार। अब से नहीं होगा यार, फिर भी थैंक्स टू यू, तेरी वजह से लड़की आ रही है। तू बस अब देखते जा, आज से अपना भी खेल शुरू। अरे हाँ यार, अच्छी तरह से खेलेंगे। अभी तक आई क्यों नहीं यार? टाइम तो हो गया, अब तक तो आ जाना चाहिए। लगता है वही आ रही है, वही आ रही है। आ गई क्या? सब तैयार रखना। यार ये तो फोटो की तरह बिल्कुल नहीं है, कोई इतना अलग होता है क्या? यार प्लीज यार, यहां से निकलते हैं। स्टार्ट कर, स्टार्ट कर। हे, आर यू ओके? श्रुति, तू ठीक है ना? क्या हुआ तुझे? हिप्पोपोटामस जैसी खुद है और ये हमें देख के ऐसा कर रही है। तू है हम पर। इसको अस्थमा का अटैक आया है। Somebody help! अरे आएगा ही ना। ड्रम जैसी मोटी लड़कियों को ही अस्थमा अटैक आता है। दोनों की दोनों ड्रम जैसी ही तो है। मुझे ड्रम कहता है, तू खुद हाथी की तरह है। बंटी कहीं का। तुम्हें कैसे पता कि इसका नाम बंटी है? देख कर ही समझ आ गया था मुझे। अबे भैंस को सफेद पेंट लगाने से वो गाय नहीं बन जाती है। अबे भैंसी कहीं की। भैंस कहा तेरी तो?
है मेरा ब्लेजर। अबे ये तो 8,000 का है। बंटी निकल 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 जल्दी कर। हे भगवान, आप बिल्कुल दया नहीं दिखाओगे? आखिर क्या पाप किया है मैंने? एक गर्लफ्रेंड दिला दो ना प्लीज। डबल डेट में हुई इंसल्ट से ध्रुव फेसबुक पर डिपेंड हो गया। क्या भगवान जी, इतनी सारी फेक प्रोफाइल्स, ऐसा भी कोई करता है क्या? एक तो ओरिजिनल लड़की दिला दो भगवान, उसे मैं सिर पर बिठा के रखूंगा। प्लीज भगवान कुछ तो करो ना। सौम्या रेड्डी एक्सेप्टेड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट। मुंबई? कोई बात नहीं, लड़की कम से कम सुंदर तो है। हाय, व्हाट डू यू डू? जैसा कि आप देख रहे हैं ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगा है। ये मोहतरमा दिन भर टीवी पर खाने के कार्यक्रम ही देखती हैं, लेकिन हमेशा वही जला हुआ डोसा बनाती हैं। रात के चावल को छोंक देती हैं, वही दाल और भिंडी। ची 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 ची। हाँ हाँ, आपकी बेटी के घर जाइए ना, बहुत अच्छा अच्छा पका कर देगी। बंटी बंटी, मैं दिन रात गधों की तरह काम करके तुम्हारे खाने की व्यवस्था कर रहा हूँ और तुम हो? हाँ। यहाँ तक कि मैं ऑफिस भी 400 रुपए की शर्ट पहन के जाता हूँ। इतना बड़ा हो गया है, बेकार के दोस्तों के साथ रात भर सड़कों पे घूमता है, दोपहर 12 बजे सो के उठता है। इतना महंगा 8,000 का सूट था और एक दिन में ही फाड़ के ले आया। पापा, आप सिर्फ ऑफिस जाते हैं इसलिए आपके लिए 400 की शर्ट ठीक है, लेकिन मैं पूरा दिन घूमता रहता हूँ। मुझे 400 लोग मिलते हैं, वो लोग मुझे देखते भी हैं, इसीलिए मैंने ये ब्लेजर लिया था। अरे ऐसा कौन सा जरूरी काम करता है तू? हैं? आपको समझ में नहीं आएगा पापा। ये मोहतरमा मुझे रात का बचा हुआ खाना देती है, इसके लिए 8,000 का कोट। हाँ। छाछ में रोटी कोई खाता है क्या? भगवान, आज पहली बार सौम्या के साथ वीडियो कॉल कर रहा हूँ, प्लीज। वो लड़की बहुत सुंदर होनी चाहिए। बोल रहा हूँ ना, कोई पाप नहीं करूंगा, अच्छे से रहूंगा और अच्छा बन जाऊंगा, प्लीज भगवान। 1, 2, 3, 4, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो क्या? 6, जॉब? छे, ऐसा कुछ नहीं है। 7, 8, 9, 10, प्लीज भगवान। One minute, Swami. Thank you, Bhagwan. Thank you so much. Thank you so much. Yes. मैंने कभी नहीं पी। क्या? बियर नहीं पी? जिंदगी में कभी नहीं पी? No. क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है तुमने क्या मिस कर दिया? No. एक चिपलो। No. अरे मैं बोल रहा हूँ ना, एक चिपलो। मस्त लगा ना? Actually, it's not that bad. Cheers. आर्या, मुझे क्लब जाकर डांस करना है। उठो बताता हूँ। चलने दे आज तू, चलता जो सिलसिला, दिल से दिल जोड़ के चलने दे काफिला। पागलपन ये नहीं, दीवानापन ये तेरा, रोको ना तुम इसे, चलने दो ये सिलसिला। ना 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 ना, ना। तू ही जमी है, तू आसमां। ना 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 ना, है सब तेरे और तेरा जहां। ना 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 ना, तू ही जमी है, तू आसमां। ना 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 ना, है
सब तेरे और तेरा जहां। चलने दे आज तू चलता जो सिलसिला, दिल से दिल जोड़ के चलने दे काफिला। नहीं कोई तू जा, जिंदगी में है तेरे सिवा, आरज़ू है यही साथ तेरे रहूं मैं सदा, यही तमन्ना बाकी कुछ भी नहीं चाहिए, साथ जो तेरा मिला है अब और क्या चाहिए। ना 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 ना, तू ही जमीन है तू आसमां। ना 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 ना, है सब तेरे और तेरा जहां। ना 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 ना, तू ही जमीन है तू आसमां। ना 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 ना, है सब तेरे और तेरा जहां। जिंदगी वो हसी जिसमें प्यार का रस हो भरा, इश्क वो फूल है जिससे कितनों का दिल है खिला। तू है दीवाना हाँ हाँ, तेरा यही काम है सबसे प्यार देना लेना, तेरी ये पहचान है। ना 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 ना, तू ही जमी है तू आसमां। ना 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 ना, है सब तेरे और तेरा जहां। ना 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 ना, तू ही जमी है तू आसमां। ना 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 ना, है सब तेरे और तेरा जहां। चलने दे आज तू चलता जो सिलसिला, दिल से दिल जोड़ के चलने दे काफिला। पागलपन ये नहीं दीवानापन ये तेरा, रोको ना तुम इसे चलने दो ये सिलसिला। बेबी आई थिंक दिस इज लाइफ, हमें फ्यूचर में ये सब हासिल करना है। या टोटली, लेट्स गो टू यूएस। व्हाट? यस, लेट्स गो टू यूएस। फर्स्ट वहाँ पर मास्टर्स कर लेंगे, देन जॉब करके वहीं सेटल हो जाएंगे। आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। क्या? मेरा बचपन का सपना है यूएस में सेटल होने का। मेरे सारे कजन वहीं पर हैं, वो सब फुल रॉयल लाइफ लीड कर रहे हैं। बेबी हाँ, तुम्हें भूख लगी है क्या? नहीं। तुम तो क्या पीरियड्स आए हैं? नहीं। तो फिर ऐसी बेकार की बातें क्यों कर रही हो? बेकार की बातें क्लैरिटी के साथ तो बोल रही हूँ। तुम अगर यहीं पर रहोगे तो अपने निकम्मे दोस्तों की तरह नालायक बन जाओगे। अभी वो लोग बीच में किस लिए? ठीक है, उन्हें छोड़ो। क्या करोगे यहाँ रहकर? कुछ ना कुछ तो करूँगा। तो फिर जल्दी से सेटल हो जाओ, नहीं तो हम यूएस चले जाएंगे। आर्या, तुम महीने के 15,000 कमा लेते हो ना? मैं अपनी पेंटिंग्स बेचकर 10,000 तक कमा लूंगी। उन 25,000 से हम खुशी से रह सकते हैं। उन 25,000 में 20,000 तुम्हारी शॉपिंग और कॉस्मेटिक्स पे खर्च कर देंगे, ओके? लव यू बेबी। अच्छा आर्या, हम दोनों हमेशा साथ तो रहेंगे ना? मेरे पापा तुम्हें एक्सेप्ट तो करेंगे ना? गीता, तुम अपने पास्ट के बारे में सोच के दुखी हो रही हो, दूसरी तरफ फ्यूचर के बारे में सोच के डर रही हो। अरे तुम अपना प्रेजेंट खराब कर रही हो, देखो कितना ब्यूटीफुल मोमेंट है। अरे एंजॉय करो, जी भर के जियो, हर मोमेंट को एंजॉय करो। तुम सच कह रहे हो ना? बिल्कुल। हे, हाय बेबी। हाय, ये क्या है? वन सेकंड, देखो मेरे हाथ पर तुम्हारा नाम कितना अच्छा लग रहा है। या बहुत अच्छा है। सो आई एम कम्प्लीटली योर्स नाउ। कूल, तुम भी मेरा नाम लिखवा लो, चलो। व्हाट?
चलो ना, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं नहीं करवाऊंगा। अरे कुछ नहीं होगा। रिया प्लीज मत करवाओ ना ऐसा, ये मैं नहीं करता ये सब। अरे बेबी कुछ नहीं होगा। रिया मैं बाद में करवा लूंगा। देखो मेरी मम्मी कॉल कर रही है, उससे बात करनी है मुझे, मैं बताता हूं। अरे रिया प्लीज, नहीं रिया, मेरे बात नहीं होगा यार, जरा बस दो मिनट। एक्चुअली आई एम एलर्जिक टू नीडल्स, मैं नहीं करवा सकता, पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी। मतलब मुझे पसंद नहीं करते ना? ऐसा कुछ नहीं है रिया, प्लीज भाई। नहीं भाई, मुझे पैसे नहीं चाहिए मैडम, आप बहुत सुंदर हैं। इसके लिए तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो? सब घुमा फिरा कर बात करते हैं, तुम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो ना भाई। चार लोग साथ करें तो उसे क्या कहते हैं यार? फोरसम। तीन लोग? थ्रीसम। और दो लोग? ऑसम। मुझे फाइनली समझ में आ गया यार, सब मुझे हैंडसम क्यों कहते हैं। हाँ यार, पूरी ट्विन सिटीज में तुझ जैसा हैंडसम कोई नहीं है। ए, उधर देख यार। यार इसके व्यूज तो देख। इसीलिए हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है। या मे बी। क्या हुआ यार? No milk. यार बहुत खून बह गया। ओह सो क्यूट। बहुत पेन हो रहा है यार, इस तरह से। अरे आराम से। हे, इसीलिए कहता हूँ लड़कियों के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। हाँ, मुझे तो ये साइकोसी लगती है, कोई ऐसा करता है क्या? अरे यार पता नहीं क्या बोलती रहती है, जल्दी से सेटल हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से यूएस ले जाऊंगी वगैरह वगैरह। सेटलमेंट मतलब? यानी कि पैसा कमाना। हाँ शायद। यार तुझे अभी पैसे चाहिए ना? हाँ वो हम लाके तुझे देंगे। ठीक है ठीक है, चला जा बैठ जा, मस्त हॉट सीन चल रहा है। सो व्हाट्स माय रोल? भगवान ने तुम्हें अभी बनाया है। तुम दोनों एक दूसरे को पहली बार देख रहे हो, बॉडी में एक अजीब सी हलचल मच जाती है, एक दूसरे को छूने का मन करता है। ऐसे धीरे से छूकर, स्लोली स्लोली। बस इतना ही, कहानी चेंज। काफी इंटरेस्टिंग है। रसिक राजा प्रोडक्शन, जंगल में चीखे, सीन वन, टेक वन, एक्शन। जानवरों की तरह रहो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम कहां पर हो। वैसे ही सैड फेस, ऊपर देखो भगवान की तरफ। वाई गॉड, योर काउंट 16,000, माय काउंट वाई, नॉट इवन वन। सडनली वहां एक लड़की को देखा। फाइनली भगवान ने दया दिखा दी और एक सुंदर लड़की को भेज दिया। छोटी स्माइल दो, एप्पल को सेक्सीली काटो। राइट, धीरे से ऊपर उठिए, फेस पे स्माइल रखना, स्माइल स्माइल। हाँ एग्जैक्टली, अब भाले को एक बार उठाओ। अब लड़की को इंप्रेस करने के लिए रस्सी को पकड़ के लटको। कम ऑन टार्जन राजा, रस्सी को पकड़ लेना, पकड़ो। आजन राजा, पहले अप्रोच करो, उसके बाद टच करना। टच करते करते दोनों नीचे बैठ जाओ, स्लोली स्लोली। बंटी टॉप एंगल लगा, परफेक्ट एंगल। अभी पीठ पे हाथ फेरो, हाथ फेरो, हाथ फेरो, उसकी पीठ पे हाथ फेरो। यस यस, जंगली रानी टू की एंट्री। आजा आजा, राजन राजा, अब जंगली रानी टू की तरफ देखो, वैसे ही फ्लो में। ठीक है ठीक है, कम ऑन टार्जन राजा, परफेक्ट शॉट, टेक ओके। चलो यूएस चलते हैं, सब मैं देख लूंगी। यार वो सब रहने दो, मैं यूएस नहीं आ सकता। इंडिया में है क्या? मम्मी है, हैदराबाद है, मेरे दोस्त हैं।
यहाँ घर से बाहर निकलते पूछने वाले 100 लोग हैं, वहाँ लोनली लाइफ में मैं लीड नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ रॉयल लाइफ लीड कर सकते हैं, हैप्पीली 9 to 5 जॉब कर सकते हैं, डॉलर्स में अर्न कर सकते हैं, वर्ल्ड टूर पर जा सकते हैं और बड़े घर में रह सकते हैं। अगर प्यार हो ना तो सिंगल बेडरूम फ्लैट में भी हम आराम से खुशी से रह सकते हैं। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? तुम्हारी लाइफ का गोल क्या है? गोल दिन में फ्रेंड्स के साथ मिलकर कुछ काम करना है, शाम को उनके साथ बियर पीनी है, मस्ती करनी है, नाइट माँ के हाथ का खाना और उसके बाद तुमसे प्यार करना। बस ना? हाँ बस। ये ले। अरे ये क्या है यार? सुन, जाकर अपनी बंदी के साथ मजे कर। अरे कहां से आए इतने पैसे? ये वीडियो देख। अरे तुमने बना क्या ये वीडियो? सुपर वे यार। ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, देखने वाले बस देखते जा रहे हैं। हमारी क्रिएटिविटी ऐसी है और कमेंट्स तो नेक्स्ट लेवल पे है। थैंक यू सो मच यार। अगर फ्रेंडशिप एक क्रिकेट मैच है ना तो उसमें तू सचिन और तू सहवाग है। चल रे पगले, अब रुलाएगा क्या हमें? अरे नहीं यार, सच कह रहा हूँ। बस कर पगले, रुलाएगा क्या। वाओ! आजा आजा तुझे जन्नत दिखाऊं, सारे जहान की सैर कराऊं। सुनो सुनो लहर, मैं हूं तेरा और तू नदी, हम सफर मेरा तू मेरी यार जिंदगी। मौसम सुन क्या कहे तेरे लिए, मेरी प्रिय मेरी खुशी मेरा जहां, सब कुछ तेरे जुल्फों तले। आजा आजा तुझे जन्नत दिखाऊं मैं, सारे जहान की सैर कराऊं मैं। सदा तू किस्मत से हो तुम मुझको मिले, रब का शुक्र है तू हम सफर है, एक दूजे के हम बने बने। सीने में जो प्यास है, मीठी मीठी आग है, मैं अकेला था दिल अधूरा था, तुम मिले तो मुकम्मल हुआ। सब कुछ तेरे जुल्फों तले, आजा आजा तुझे जन्नत दिखाऊं मैं, सारे जहान की सैर कराऊं मैं। हेलो रिया, व्हाट्स रॉन्ग? Why are you calling so many times? एक बार अपना फोन चेक कर लो। What? जय और उसके दोस्तों ने घटिया वीडियो बनाए, देख लो। कौन है इस वक्त यार? Come back.
लीव मी। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? चलो लीव माय हैंड। व्हाट हैपेंड? व्हाट द हेल इज दैट? ओह शिट, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? अब तुम बच्चे नहीं हो जय? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? अरे ये उन्होंने सोशल पर्पस के लिए किया है। सोशल पर्पस? दिमाग खराब है तुम्हारा? प्लीज रिया, चलो चलते हैं। देखो ना जरा वेदर कितना अच्छा लग रहा है। अब इतनी सी बात के लिए क्यों ये सब? चलो ना प्लीज। डोंट टच मी। रिया क्या हुआ है तुम्हें? मैंने कहा मेरे साथ यूएस चलो, सब मैं देख लूंगी। यू आर मेकिंग शिटी पॉर्न वीडियोस, व्हाट द हेल? तुम दोबारा उसी बात पर आ गई? इन्हीं पैसों से मुझे लेकर आए हो ना? रिया प्लीज, रिया मेरी बात सुनो, एक बार मेरी बात सुनो। मेरे साथ यूएस चलोगे या नहीं? रिया यहाँ पर खुशी है ना, सारे फ्रेंड्स यहीं पर हैं। जय मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम्हारे दोस्त इम्पोर्टेंट हैं या फिर मैं? प्लीज रिया मेरी बात सुनो। जय मैं यूएस चली जाऊंगी। प्लीज रिया, मैं यहाँ नहीं रह सकती। रिया हैदराबाद जाने के बाद मुझे कॉल मत करना। प्लीज रिया एक आखिरी चांस दे दो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। ये सब भूल जाओ रिया, हम बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ लीड करेंगे। प्लीज रिया मेरी बात सुनो ना। स्टे अवे। यार कुछ तो करना पड़ेगा वरना रिया यूएस चली जाएगी। अबे वो लोमड़ी ना हम लोग को अलग करने के लिए आई है। वैसे तुझे उसमें पसंद क्या है बे? टेढ़ा मुंह टेढ़ी नाक, बेकार है बे वो, चुड़ैल लगती है। ए तू चुप करा। वो और उसकी हरकतें, हमेशा उसकी कुछ ना कुछ डिमांड ही रहती है। हम चाहे कैसे भी पैसे कमाए उससे उसे क्या, लेकिन अपनी टांग अड़ाती रहती है। ए उसको कुछ बोल मत। तू उसके सामने झुकता जा रहा है ना, इसीलिए वो झुका रही है। वैसे तो हमेशा सो क्यूट, सो क्यूट, भाड़ में जाए ऐसी क्यूटनेस। ए यहाँ की हर गली में एक लड़की मिलती है, एक हफ्ते के अंदर दूसरी लड़की सेट करके दूंगा तुझे। नहीं यार तेरी और तेरी सेटिंग के लिए हाथ जोड़ता हूँ। अरे कोई नया वीडियो बनाया क्या? अरे बाबा तेरे हाथ जोड़ता हूँ यार। यस यस, क्या इस भाई के यार। भाई कोई जॉब कर लेना यार। जॉब अपने से नहीं होगी भाई। तो फिर क्यों ना एक बिजनेस शुरू कर। अपने पास इतने पैसे थोड़ी हैं, और है तो भी उसे सेटअप करके रन करने के लिए मिनिमम 6 months तो लगेंगे। तो क्या करेगा यार? लेकिन हमें कोई स्पेशल टैलेंट भी तो नहीं है। टैलेंट ब्लड में होना चाहिए। अब अपने हीरोज को ही देख ले, रिदम पे कितना अच्छा डांस करते हैं, और कोहली के ब्लड में सिर्फ बैटिंग घुसती है। इसके ब्लड में क्या है? इसके ब्लड में क्या है पता नहीं है भाई, लेकिन इस धू के ब्लड में तो एचआईवी मिलेगा। तेरा फ्लॉप होगा एचआईवी तेरी। अच्छा सुन तू विकी डोनर बन जा। अरे यार सब जॉब जॉब करते हैं, लेकिन आजकल सॉफ्टवेयर वालों से ज्यादा ना ये कैब ड्राइवर्स कमा रहे हैं। तो बेसिकली ये रूल नहीं है कि जॉब करना ही है, कैब भी तो चला सकते हैं ना, क्या बोलता है? हाँ बोलना, कैब ही चला ले। हाँ बेस्ट। हमारे पास कार कहाँ है यार? कार? अरे तेरी बेंज है ना? हाँ मेरी बेंज है ना, और वैसे भी मेरा बाप रात में 2 पैक लगा के सो जाता है, उसके बाद खड़ी रहती है। तू चला। क्रेजी है यार और क्या। हाँ यार नाइट टाइम में चला लूंगा। चल यार यार उस लड़की को देख। Really sorry, Ria. Please call me. Paytm कर दीजिए। कल रिया को बुला सकते हैं? रिया नहीं है बेटा, कंसल्टेंसी के लिए बाहर गई है। एनी प्रॉब्लम जाए? वो कब आएगी अंकल? पता नहीं, लेट हो सकती है बेटा।
दृश्य देखो, कैब चला रहा है। तेरी जिम्मेदारी यही है क्या? हाँ, कल इस वक्त मैं और रिया यूएस में होंगे, तुम्हें भी पार्टी में बुलाते, लेकिन फिर कैब से ड्रॉप कौन करता हमें? क्या कहते हो रिया, ठीक है ना? ए रिया, बॉस को भेजना जरा। समवन इज कॉलिंग यू। हे, हाय ब्रो। हाय। जय वो। एक छोटी सी मदद करो रिया, थोड़ी देर कुछ मत बोलो, जस्ट वहां पर खड़ी रहो। मेरे जाने तक मुझे ये सब कुछ याद रखना है। क्या याद रखना है तुम्हें? मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है रिया। क्या नहीं हुआ है तुम्हारे साथ? मेरा हार्ट ब्रेक हुआ है। तुमने मुझे यूं धोखा दिया है, प्यार नहीं कोई सौदा किया है, वादे भुला कर दिल मेरा तोड़ा, राह वफा में मैं तन्हा रहा। तुम हंसते हंसते जीते रहे, पर यादों में तेरी मरते रहा। दामन हाथों से छूट गया, दिल मेरा तू लूट गया। है जहर यूं ही पीना तुझे, मौसम सुन क्या कहे। फिर भी तुझे रहना, यही जीना यही मरना। यही हाँ, वादे टूटे सभी। डॉक्टर, व्हाट बॉय? अरे यार, ये दिखने में इतना हल्का है, लेकिन असली में हाथी जितना वजन है। ये भी ना, देवदास बन चुका है, लड़की छोड़कर चली गई तो अपना हाथ ही काट लिया। अरे संभल के। हाथ काटने के बाद अपना खून देख के खुद ही बेहोश हो गया। चलो चलो चलो, मेरी कमर कमर दुख रही है, एक तो इसने मेरी गाड़ी भी फोड़ दी। कब से बोल रहा हूँ मैं, दूसरी लड़की पटा ले। एक्सपीरियंस होने तक ना कुछ समझ में नहीं आता है। गैंग की तो इज्जत ही मिट्टी में मिला दी। एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर। आपका बिल। हे आर्या, ये बिल देख यार। अरे ये अपना नहीं है यार। अबे आर्या, ये जय का ही है। अरे इतना बिल, हॉस्पिटल वाले लूट रहे क्या? जाके डॉक्टर को बोल। डॉक्टर, चल बात करते। डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ है ये? अरे किधर है ये? क्या है देखो ना, ये क्या है? सारे प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे ही है क्या? सिर्फ हाथ पे चोट लग जाने से 40,000 का बिल बनता है क्या? ये तो अन्याय है ना। योर फ्रेंड हैज एनोप्लास्टी कैस्टरसीमा कंडीशन। मतलब देयर इज अ ट्यूमर इन द ब्रेन। मतलब कैंसर। सब तुम लोगों की वजह से उसके करियर का कुछ नहीं हो पाया। लड़की के पीछे पागल हो चुका है, अभी कैंसर हो चुका है। मरने तक पीछा नहीं छोड़ोगे क्या उसका? डॉक्टर, चोट की वजह से कुछ हुआ है क्या? एक्चुअली उस इंजरी की वजह से हेल्प मिली है, उसी की वजह से हम कैंसर को डायग्नोस कर पाए। उसे कैंसर कैसे हो गया सर? इसके कई रीजंस हैं। जय के फादर की भी ब्रेन ट्यूमर की वजह से मौत हुई थी, सो ये हेरिडिटरी केस भी हो सकता है। सो अब ट्रीटमेंट कैसे होगा? वी नीड एडवांस कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट। वो ट्यूमर और ट्यूमर सेल्स को इजीली डिस्ट्रॉय करती है, सो देयर आर 80% चांसेस फॉर हिम टू रिकवर। और बाकी 20%? अगर ट्यूमर एग्रीवेट हुआ तो लास्ट मिनट में ऑपरेशन करके ट्यूमर निकालना पड़ेगा। उस केस में तो 5% भी सक्सेस होना मुश्किल है। उसके लिए यूएस से डॉक्टरों को बुलाना पड़ेगा।
30 लाख से ऊपर का खर्चा हो सकता है। पहले पेशेंट को बताइए कि उसे कैंसर कैसे हुआ। यार अब क्या किया जाए। मैडम ये लीजिए, काउंटर पर बिल पे कर दीजिएगा। यार कीमोथेरेपी से ही सब ठीक हो जाएगा। हाँ यार, नहीं तो ऑपरेशन के लिए 30 लाख कहाँ से लाएंगे हम। यार अब ये बात जय को कैसे बताएंगे। hey, तू टेंशन लेकर उसे टेंशन मत दे। यार हम आराम से हैंडल करते हैं, ओके? Hey, जय। क्या जय, कैसा है मेरे भाई? बोल रहा है क्या? आराम से रेस्ट कर रहा है। अरे यार मुझे क्या हुआ है, इतनी सी चोट के लिए इतनी देर तक हॉस्पिटल में रखा है। अरे कुछ नहीं यार, सब नॉर्मल है, बस छोटी सी डिजीज है। डिजीज? कैसी डिजीज? गर्लफ्रेंड ने तुझे छोड़ दिया इसलिए तूने दारू पी है ना? हाँ, तो उसका क्या? उससे कैंसर हो गया बस। कैंसर? यार पहले तू शराब सिगरेट पीना बंद कर दे, हेल्दी फूड मेडिसिंस ले, ठीक हो जाएगा। अरे यार तू इतना टेंशन मत ले, 3 महीने में तू ठीक हो जाएगा, डॉक्टर से हमारी बात हो गई है। क्या मैं मर जाऊंगा? अरे अब पहले की तरह नहीं है, कैंसर अब ठीक हो सकता है। अब मेरी माँ का क्या होगा? हे तू टेंशन मत ले यार, डॉक्टर ने आंटी को सब कुछ क्लियर कर दिया है, अब तू भी टेंशन फ्री हो जा बेटा। यार पहले लोग छोटी छोटी बीमारियों से भी मर जाते थे, जैसे टाइफाइड, टीबी, ये सब, अब तो एक इंजेक्शन ही काफी है, सब क्योर हो जाता है। हाँ बे, पहले की तरह अब कुछ नहीं है, अब काफी एडवांस ट्रीटमेंट आ गए हैं, पता है तुझे? कैसा ट्रीटमेंट यार? कीमोथेरेपी। ओ पढ़े लिखे गवार, कीमोथेरेपी। चुप बे, अबे तुझे एक बात बताता हूँ, युवराज सिंह को लंग कैंसर हुआ था ना, उसने उसे जस्ट फीवर की तरह माना और उसने क्रिकेट खेल के इंडिया को वर्ल्ड कप जिता दिया। बस वही तुझे भी करना है, तू इस बीमारी से बिल्कुल भी मत डर। यार आज के डेट में हर 4 में से 1 को कैंसर होता है, और हम 4ों में से तू अच्छा है इसलिए तुझे हो गया। अच्छा ये बता, जब लड़की छोड़ के जाती है तो दारू पीता है क्या कोई? तूने देखा है ना जब फिल्म शुरू होती है तो मुकेश का कितना बड़ा सा ऐड आता है। यार हमारे साथ ही लव फेलियर दोस्तों के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए हमें एक ऐड बनाना चाहिए। हाँ यार मस्त बनाए क्या? मस्त बोलना। अरे बोलना रे, हंसना यार। बनाते हैं। यस। इस लड़के को क्या हुआ है? एक तरफ लव फेलियर, दूसरी तरफ बेरोजगारी, कोई आवाज क्यों नहीं उठाता है? इन लड़कियों की लापरवाही के खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए। मेरा नाम है जय, मैंने 1 साल तक एक लड़की से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया। हमारा प्यार फोन में डब स्मैश से शुरू होकर हाथ पर टैटू तक चला गया था, फिर भी मुझे छोड़कर वो यूएस चली गई। शायद मैं कभी किसी लड़की से प्यार नहीं कर सकता। हमारी आंटी को हाथों के 2 कंगन बेचने पड़े। प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये सब जानलेवा है। बॉयज, ना कभी प्यार करना और ना ही करने देना। खोई हुई हंसी, टूटा हुआ विश्वास और जा चुकी हिम्मत, उसे ढूंढ कर लाने वाले फ्रेंड्स ही तो होते हैं। जय के ट्रीटमेंट के लिए पैसे पूछने आया था, ये सब यहाँ क्यों आ गए? मेरी क्लास लगाने के लिए। आर्या, कूल कूल। हाँ आर्या, तुम्हारे भाई को IIT हैदराबाद में सीट मिल गई, इसलिए तुम्हारे डैडी ने इतनी बड़ी पार्टी दी है, और तुम अभी इतनी देर से आ रहे हो। वैसे अभी क्या कर रहे हो? कर रहा हूँ। यू नो माई सन इज वर्किंग फॉर सिस्को एज ए मैनेजर, उससे बात करके मैं तुम्हें जॉब दिलवा सकता हूँ। थैंक यू अंकल, बट नो थैंक्स, मुझे जॉब नहीं चाहिए। एनी रीजन? मुझे आपके बेटे की तरह किसी के अंडर जॉब करके अपनी पूरी जिंदगी खराब नहीं करनी अंकल। क्या बोल रहा है आर्या, बड़ों की इज्जत करना सीखो। अरे क्या बात बात पे बड़ों की इज्जत करते रहते हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? हमें कौन रिस्पेक्ट देता है बोलो। आर्या आपने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए जो कंपटीशन क्रिएट किया उसमें मुझे मत घसीटिए डैड। अरे मेरा बेटा इतना कमा रहा है, मेरे बेटे ने बिल्डिंग बनाई, मेरा बेटा फॉरेन ट्रिप पे गया, इसी वजह से सारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। अपनी जबान संभाल के बात करो आर्या। तुम्हारे एज वाले अच्छी पोजीशन में सेटल्ड है, जानते हो तुमने अभी करियर ही नहीं शुरू किया,
आखिर लाइफ में तुम क्या करना चाहते हो? अरे पैदा हुआ बड़ा हुआ काम करो, फिर पैदा हो बड़ा हो काम करो, यही जिंदगी है क्या? मुझे अपनी जिंदगी खुशियों के साथ जीनी है। इस सोसाइटी के प्रेशर में आके बलि का बकरा नहीं बनना है मुझे। बेटा आर्या, तुझे नौकरी करते देखना मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अरे हटो, नौकरी नौकरी, मर रहे सब लोग। आर्या इधर आओ। क्या हुआ आर्या? फ्रस्ट्रेटेड हूं यार, प्लीज कोऑपरेट करना। आर्या ये सब हम लोग शादी के बाद करेंगे, अभी मुझसे नहीं होगा। गीता दरवाजा खोलो। शिट। गीता दरवाजा खोलो ना। क्या हुआ पापा इस वक्त? मेरी एक बुक नहीं मिल रही है बेटा, कहीं तुम्हारे रूम में होगी ये देखने आया था मैं। आपकी बुक मेरे रूम में क्यों होगी? दोपहर में एक बार तुम्हारे कमरे में आया था बेटा। बाथरूम में क्यों होगी पापा? यहाँ कुछ नहीं है पापा। कौन है बे तू? बाहर निकल। तेरी इतनी हिम्मत, गलती तेरी नहीं इसकी है। टेंथ क्लास में ही इसने प्यार करके मेरी इज्जत उछाल दी और अब इसको हमारे घर में लाके हमारी नाक कटवा दी इसने, समझी? बुरा मत मानिए अंकल, वो तब भी मेरे साथ ही थी। तब भी तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? अभी तक खड़ा होकर बातें समझा रहा है मुझे। निकल, चल दोबारा मेरे घर के सामने भी दिखाई दे तो जान से मार दो। निकल, चल भाग यहां से, गेट लॉस्ट। सब लोग दुखों में डूब गए, एक तरफ मुझे बचाने की कोशिश में, दूसरी तरफ से घर की मुश्किलों में बस पिसते जा रहे हैं। अरे बंटी, अरे एसी ऑफ कर दे यार, बिजली का बिल आसमान छू रहा है। पापा गर्मी में मर जाऊंगा मैं, प्लीज समझना। जय अब तक के कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ये क्या डॉक्टर, वक्त पे सारा ट्रीटमेंट तो हो रहा है ना? डॉक्टर एक बार और रिपोर्ट चेक करिए ना। सेप चेक कर लिया है, ट्यूमर का साइज बिल्कुल श्रिंक नहीं हो रहा, ट्यूमर सेल्स को भी कीमोथेरेपी की वजह से ही कंट्रोल कर पा रहे हैं। यूएस में एक एक्सपर्ट डॉक्टर है, उन्हें बुलाकर ऑपरेशन करवाना होगा। कितने पैसे लगेंगे? अप्रोक्सीमेटली 30 लाख। ये क्या हाल इतना ठंडा है? ए हाथी, ये क्या यहाँ सो गया? उठ उठ उठ, गर्मी में मेरी डायबिटिक मेडिसिन खराब हो जाएगी। उठ नालायक, उठ उठ उठ। सुबह सुबह क्या हो गया दादाजी आपको? ऐसे फ्रिज में सर लगाकर कौन सोता है नालायक? अरे दादाजी, दादाजी। अरे पूरा शरीर इसके अंदर डालकर सो जाता ना नालायक कहीं का। ये बुढ़ा भी ना कुछ ज्यादा ही मजाक करने लग गया है। प्रोजेक्ट पर पैसा लगाया था ना, क्या हुआ? वो नई गवर्नमेंट को पुरानी स्कीम पसंद नहीं आई ना, इसलिए निकाल दिया। अरे रे, ये क्या हो गया, पूरे पैसे चले गए, एक रुपया भी नहीं हाथ आया, 5 साल बेकार हो गए। पता नहीं कैसे कर्म किए होंगे, मंगलसूत्र तक नहीं बचा मेरे पास। ऐसे झगड़ा क्यों कर रहे हो, मेरी जायदाद है ना, ले लो। हाँ बहुत है ना। क्या है आपकी जायदाद, क्या है? टूटा हुआ पलंग, पुराने लोहे का बक्सा, यही है ना? अच्छे नहीं है क्या? कोटेश्वर, कोटेश्वर
छह महीनों से तुमने किराया नहीं दिया है। दे दूंगा सर। इस महीने की पहली तारीख भी आ गई, इस महीने भी दोगे कि नहीं दोगे? ठीक है, तुमसे नहीं होने वाला, खाली कर देना। अगर इस महीने के अंत तक नहीं दे पाए तो खाली कर देंगे सर। दिस इज लास्ट वार्निंग। हाँ हाँ सर। इस महीने नहीं दिया तो सारा सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा मैं। ओके ओके सर। इससे छोटे घर में नहीं रह सकता? हाँ हाँ क्यों नहीं, बहुत बड़े घर भेजेंगे आपको। तुम्हारे पापा के घर में दो ही कमरे है ना? मेरे पापा के घर क्यों भेजेंगे, ओल्ड एज होम भेज देंगे आपको, वहाँ रहिएगा। दादाजी कहाँ जा रहे हैं? लेटरिन जा रहा हूँ, चलेगा क्या? छी दादाजी भी ना, क्या कर रहे हैं वो अंदर जाके? पिताजी, दादाजी, दादाजी, दरवाजा खोलिए दादाजी। मुझे शांति से मरने भी नहीं दोगे क्या? पहले रोना बंद करो, मुंह तोड़ दूंगा नहीं तो। मैं सीरियसली पूछ रही हूँ आर्या, मुझसे शादी करोगे या नहीं? बहुत टेंशन में हूँ, अभी शादी नहीं कर सकता। मेरे पापा ने सही कहा था, तुम ना मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, इसलिए मेरे लिए उन्होंने बेस्ट लाइफ पार्टनर चुना है। राहुल, महीने की 1,00,000 सैलरी है। देख लिया ना? अच्छा, जाके राहुल से शादी कर लो, सॉरी राहुल जी से कर लो। क्या कहा? 1,00,000 ना? उस सैलरी के साथ हंसी खुशी पति पत्नी की तरह जी लो, पीछा छूट जाएगा। क्या कहा? पीछा छूट जाएगा? ठीक है, बढ़िया है, राहुल से शादी कर लूंगी, किसी काम के नहीं हो। जाकर उसी से कर लो, जाओ, और दोबारा फोन मत करना। हाँ बंटी बोला। यार टेंशन बर्दाश्त नहीं हो रही है। इन सबका एक ही सोल्यूशन है, बियर पीनी होगी। अरे टेंशन खत्म करने के लिए हम बियर पीना चाहते थे और यहाँ भी टेंशन। यार सिर्फ 5 मिनट बचे इसलिए इतनी भीड़ है, चल चलते हैं। ए हटो हटो हटो, मुझे लेने दो। ए ए लाओ लाओ लाओ, मुझे दो मुझे दो। ए हट, रुकते ही तो। ए बंटी वाली ले, वाली ले बंटी। 10 बियर चाहिए। अरे ए देना यार भाई भाई। अरे बंटी जल्दी ले जल्दी। अरे ए बंटी भाई भाई प्लीज प्लीज दे दीजिए ना भाई भाई। अरे वो मेरा दोस्त फंस गया, उसे निकालो कोई। अरे बंटी बाहर निकल। बंटी अबे ऊपर क्या कर रहा है? अरे बंटी, अरे जल्दी नीचे आओ ना, ये नहीं मिलेगी। अरे कोई से बचाओ, नीचे उतारो भाई, चढ़ो नीचे कराओ। ए ध्रुव, बंटी। हाँ। यार कितनी मेहनत की, हमारी किस्मत में एक बियर नहीं है। अरे यार तू टेंशन मत ले, हम बियर भी लेंगे और घर जाके पियेंगे भी। अरे वो देख भैया, 3 बियर चाहिए। 2 बियर है। कितना? 500 रुपया। 500 रुपये? हाँ। 500? काई को 500? काई को 500 तो चलो 600 दे दो भैया। 500 की 2 दे दो। नहीं दूंगा सर, नहीं दूंगा। इधर दे। नहीं 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 दूंगा। मुझे दे। नहीं दूंगा सर, मेरी लाठी मुझे दे। बात समझ में नहीं आ रही क्या? भगवान कितना निर्दयी हो गया है, बिल्कुल भी दया नहीं है उसमें, हमसे इतना गुस्से में क्यों है वो? शायद हम पैदा ही गलत वक्त पे हुए। हाँ यार, थोड़ा सा सिर्फ सारी टेंशन भुला के सोचा कि आज बियर पीऊंगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अरे यार इस बियर की क्वालिटी ही बेकार है। मेरा एक दोस्त यूरोप गया था, वहां से एक बियर लेकर के आया था। यार एक बियर पी लो तो काफी है, इंस्टेंट हार्मोनी, ऐसा लगता है स्वर्ग में आ गए हैं। इतनी टेस्टी? सिर्फ एक बियर ही काफी है फिर भी। लेकिन उसमें ऐसा क्या होता होगा?
अबे पागल, बियर का मतलब क्या है? क्या है? गेहूं। गेहूं? हाँ गेहूं, उसमें ब्रेड में डालने वाला थोड़ा बैक्टीरिया डालते हैं, बियर के फ्लेवर ऐड करते हैं, बस। इतना आसान है? तुझे एक बात पता है यार, यूरोप में हमारी तरह वाइन शॉप में लाइन में खड़े होकर एक बियर के लिए झगड़ा करके इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने वाली फीलिंग नहीं आती है। वहाँ जिसको बियर पीनी होती है ना, वो तैयार करता है और चिल करते हैं। इतना मत फेंक, ऐसे कैसे कोई घर में बियर बना सकता है? अरे यार, इसे प्रूफ दिखाएंगे तभी ये मानेगा। दिखा, देख बच्चा है ये। पुलिस ने बहुत पीटा क्या? हाँ भाई बहुत मारा, सूझ गया है। इसे नहीं मारा? गाइस क्यों ना हम भी बियर बनाना शुरू करें। तो बेसिकली बियर ब्रोइंग में 6 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है मिलिंग। इस स्टेप में गेहूं को पूरी रात भिगोना होता है और फिर सुबह तक सारे गेहूं उग जाते हैं स्प्राउट्स की तरह, उसी को माल्ट कहते हैं। इन्हें सुबह सुखाकर ग्राइंड करना है। स्टेप 2 है मैशिंग। मैशिंग में ग्राइंडिंग में आने वाले मिश्रण को फर्स्ट कंटेनर में डालकर गर्म पानी में उबालना होता है। स्टेप 3 को लॉटरिंग कहते हैं। आने वाले मिश्रण को मिश्रण से अलग करके सेकंड कंटेनर में लाना होता है और उसके बाद हॉप्स मिलाते हैं। हॉप्स? हॉप्स मतलब? हॉप्स मतलब एक फ्लेवर, बियर स्ट्रॉन्ग होगी या लाइट यही डिसाइड करता है। ए आर्या, ये लाइट किस लिए, ये गर्मी किस लिए, ये पौधे क्यों, ये सेटअप कैसा है भाई? यार बेसिकली बियर बनाने वाले बियर में आर्टिफिशियल फ्लेवर्स मिलाते हैं, लेकिन हम पेड़ों से नेचुरल फ्लेवर्स का इस्तेमाल करें इसलिए सारा सेटअप किया है, क्योंकि ये पौधे 40 डिग्री नॉर्थ इक्वेटोरियल रीजन में ही पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशंस के टेम्परेचर्स में ही बढ़ते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन हमारे रूम में कैसे बढ़ेंगे? अरे इसीलिए तो ये लाइटिंग और ये सर्टेन टेम्परेचर सेटअप किया है। हीट से वहां तक की कंडीशंस को हम यहां रिक्रिएट कर रहे हैं। स्टेप 4 है हॉप्स मिलाए हुए लिक्विड को थर्ड कंटेनर में लेकर एक चिलर को कूल करना। स्टेप 5 है उसमें यीस्ट ऐड करना। यीस्ट है गुड बैक्टीरिया। उस दिन बताया था ना ब्रेड का बैक्टीरिया? हाँ वही, ये फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। जैसे दूध से दही जमाते हैं ना, ठीक उसी तरह, इसी को फर्मेंटेशन कहते हैं। सेम उसी तरह ये यीस्ट भी वाटर को बियर में कन्वर्ट करता है। उसी को रेफ्रिजरेट करने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसे हम बियर कहते हैं। अरे यार बुझाओ इसे। अरे ये क्या हो गया यार? होता रहता है यार, दोबारा शुरू करते हैं। हाँ हो जाएगा। हे मेरी बात मान, आज अच्छा दिन नहीं है, कल फ्रेश माइंड से स्टार्ट करते हैं। नहीं यार हो जाएगा, हमने शुरू किया है ना। अरे भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं बाहर जा रहा हूं। शुरू करेंगे। अरे मेरी बात तो सुन यार। अरे बोला ना कल सुबह शुरू करेंगे, रहने दे, चल आ जाओ। यार ब्लास्ट वगैरह मत करना, जरा ध्यान से रहना। अरे हमें कुछ नहीं होगा। यार बंटी वो ब्लैक वाली मर्सिडीज तूने कहां पार्क की है? हां अबे वहां देखना। हां वो
मेरी BMW के पीछे। अरे यार जल्दी निकालना, अमेरिका जाना है। चलेंगे चलेंगे, अमेरिका जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, वहां जाके हम खूब मस्ती करेंगे, और जय भी जाएगा मस्ती करेगा। नर्स, पीने के बाद आंखें लाल क्यों हो जाती हैं? पीना बंद कर दीजिए। दर्द हो रहा है भाई? नहीं यार, अभी तो मुझे आदत हो गई है। ए, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? यार कुछ नहीं होगा। ए, तुझे कुछ नहीं होगा, हम है ना, तू टेंशन मत ले। जरा धीरे से। मेरे ऑफिस में इम्पोर्टेंट क्लाइंट मीटिंग है, US से डेलीगेट्स आए हैं, इसलिए हैदराबाद नहीं आ पा रही। दत्त, कौन सी क्लाइंट मीटिंग यार, हमेशा ऐसे ही बहाना मारते रहती है। भाई वो तुझसे नहीं फंसने वाली है, क्यों पड़ा उसके पीछे? तू चुप कर यार, वो कट में। यार मेरा तो कोई नहीं है, लेकिन तुम लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ खुश रहना। बड़ा वाला देवदास ही है। अरे तू हमारा दोस्त है यार। वैसे भी लड़कियों का चक्कर क्यों पालना, छोड़ना, हम लोग आपस में खुश है ना यार, आ जा। तेरी तरह हैंडसम भी हो जाएंगे ना। हाँ यार। इसने तो बियर बना दी। हाँ? अबे उठाओ से। ए आर्या, 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 उठना। यार, बियर तैयार हो गई क्या? जरा ट्राई कर यार। सच में? क्या बात है? चल 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 चल। कैसी है यार? सुपर्ब। ए, अब हम तीनों मिलकर बनाएंगे। अरे हमें तो हमारी बियर पसंद आएगी, बाहर वालों को पिलाते हैं। हाँ तो ठीक है, उसमें क्या है? क्या है ये? बियर। तो तूने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं? मस्त है यार। शायद भगवान को इंसान बहुत पसंद है, इसलिए सबको खुश रखने के लिए अमृत को बियर के रूप में भेज दिया। यार यही सही वक्त है हमारी बियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना। हाँ भाई, वी शुड स्टार्ट सेलिंग अ बियर। ऑनलाइन बेचते हैं यार, डोर डिलीवरी कर सकते हैं। क्या मस्त आइडिया है यार, एकदम जबरदस्त। अरे हेलो हेलो हेलो, बहुत प्रोसेस है उसमें। पहले लोगो क्रिएट करना है, फिर ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करना है, बियर बॉटल्स बनानी है। ए, बियर बॉटल तो हम ही लोग बना सकते हैं। वो कैसे? पास के शहर में मेरे मामा का गोडाउन है, बल्क में अगर उनसे बॉटल लेंगे तो एक बॉटल 2 रुपए में पड़ेगी। अरे सही है यार, ऑनलाइन वेबसाइट बना लेंगे, 5,000 में हो जाएगा। वैसे इसका नाम क्या रखा जाए? काबूम ये रखते हैं। मतलब? काबूम मतलब एक्सप्लोजन यार, बैंग। हमारा बियर जो पिएगा उसकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन टेंशन सब दूर हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगा। यार क्या नाम दिया है। हाँ यार,
हमारी बियर का एक्सपेरिमेंट भी ब्लास्ट से शुरू हुआ था। yes! Yes! यार अब हमें एक जबरदस्त एड बनाना होगा। क्यों? वो इसलिए कि हमारी बियर के बारे में लोगों को पता तो चले, है ना? तो गोरो के साथ बनाते हैं ना। गोरो का मतलब? मतलब अपने लोग यार। ठीक है, रसिक राजा प्रोडक्शन, कबूम एड, सीन वन, टेक वन। Hey, क्या हुआ? मुझसे नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करें? मुझसे नहीं होगा। कबूम बियर पियो और स्वर्ग का आनंद लो। यार अभी तक कोई ऑर्डर ही नहीं आया, इसीलिए कहा था कि उस कालिए को ऐड में मत लो। अबे पागल, हमारे बजट में वही मिला था। सबको लग रहा होगा कि बकवास बियर होगी। हे, अरे देख ऑर्डर आया है। हे, फर्स्ट ऑर्डर आ गया। क्या सच में? यस। लिख ले, लिख ले, एड्रेस लिख ले। कबूम, 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 ये दिमाग गर्म हो तो लो चिल्ड बियर, तू टाइम पास करके ले ले एक चिल्ड बियर, तुम्हें जो वक्त काटना हो ले लो चिल्ड बियर, करो यकीन यारो ये है एक मस्त बियर। घर में मंगा लो लेके आ जाएगा ड्रॉपर, स्वाद इसका स्वाद सारे स्वाद है टॉपर, घर बैठे फोन से ही दे दो तुम ऑर्डर, आ जाएगा घर में मिनटों में ऑर्डर। बियर कॉस्ट सबसे है सस्ता सस्ता, बियर कॉस्ट सबसे है अच्छा अच्छा, ले लो ले लो ले लो ले लो चिल्ड बियर, वीकेंड मना लो सुपर डुपर, कबूम बियर पी के झूम झूम, सारे जहां में तू घूम घूम, कबूम बियर पी के झूम झूम, सारे जहां में तू घूम घूम। तेरा गर्म हो तो पी लो चिल्ड बियर, टाइम पास कर ले पी ले तू बियर। कबूम बे, कबूम बे, कबूम पैसे, कबूम बे। कितने हैं? बताता हूँ ना। अरे बताना कितने हैं। चीयर्स। अरे सही है यार, जय के ट्रीटमेंट के लिए जो पैसे चाहिए थे वो अरेंज हो गए। सुबह का पहला काम यही करते हैं, हॉस्पिटल में जाके पैसे देते हैं। चलेगा ना? हाँ, डन। कबूम। अरे आ रहा हूँ यार, क्यों ठोक रहे हो इतना? बियर शॉक में नहीं है, खत्म हो गई सब। We are from excise department and you guys are under arrest. लेकिन किस लिए? For making beer illegally and selling it to the people without license. हेलो 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 हेलो, this is legal in Europe, okay? Officer, cease, सब cease कर दो और जाकर बियर सैंपल लेकर आओ। हेलो सर, सर छोटा उसको। Hey, सर ये लीगल है सर। क्या कर रहे हो सर? सबको ले लो। क्या हो रहा है यार? उठाओ। ठीक क्या कर रहे हो? जो भी फॉर्मूला पड़ा उसको ले लो। सर 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 प्लीज। कांस्टेबल, इन सब के पॉकेट चेक करो और फोन ले लो। सर नहीं सर प्लीज। सर सर हमने कुछ गलत नहीं किया सर, हमने सर अरे अरे सर 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 मेरा फोन क्यों ले रहे हैं सर? चाबी। हे, ये कीज किसकी है? सर ये मेरी मेरी बाइक की की है। hey, बाइक के कीज ऐसे होते हैं। hey, चेक करो किसकी कीज है। सर प्लीज सर। देखिए वो मेरी कुछ नहीं है सर। अरे सर 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 नहीं 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 सर सर बात कीजिए। मैं बात सर।
सीज द मनी। सर सर सुनिए सर 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 प्लीज ऐसा मत कीजिए सर प्लीज सर बात समझने की कोशिश करो सर लेट जाओ उनको सर सर हमारे दोस्त बहुत सर प्लीज सर प्लीज ऐसा मत कीजिए मैं आपके साथ मैं आपका हाथ जोड़ता हूं सर प्लीज सर प्लीज ऐसा मत कीजिए सर सर हमने कुछ गलत नहीं किया सर चलो ले चलो इन सबको सर हमने कुछ गलत नहीं किया यार अब जय का क्या होगा? मैं भी वही सोच रहा हूँ यार। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो अचानक से ये शॉक लग गया। हेलो जी हाँ, मेरे बेटे के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे। बहुत कोशिश की पर कोई इंतजाम नहीं हो पाया। कुछ भी करिए आप मेरी मदद कर दीजिए ना, नहीं तो वो मर जाएगा। प्लीज प्लीज मदद कीजिए मेरी। ए, तुम लोग पुलिस वाले हो या किराए के गुंडे हो? तुम्हारी ऐसी की तैसी खोलो, मैंने पी नहीं है। तुम्हारा मीटर गलत बता रहा है। उफ सूंघ लो, मैंने पी नहीं है। कोई बेल दिलवाओ यार। अरे कोई तो आकर मुझे इस जेल से बाहर निकालो यार। ए काकी शर्ट वाले सीआई एसआई कौन है तू? ए ए भाइयों, तुम लोगों ने क्या किया जो अंदर आ गए? बियर बनाई है भाई। तुमने बियर बनाई है? बियर पीना भी तो गलत है ना, सब बियर पीते हैं। वो लोग क्यों बाहर घूम रहे हैं? ये कैसे न्याय है? हेलो, अरे बहरो मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ। हेलो, वो तो ठीक है, एक बात बताओ, तुम तो दिखने में इतने टिप टॉप लग रहे हो, तो फिर तुम्हें क्यों अंदर किया? वो बहुत बड़ी स्टोरी है भाई। कोई बात नहीं है, हमारे पास पूरी रात पड़ी है, बताओ। नाम है राजा, सबसे हूँ तेज, है क्या यहाँ पे कोई मेरे जैसा स्वाद से भरा लजीज खाना बनाने वाला मास्टर शेफ हो? कोई तो बताओ, मुझे मेरे हाथों में है सॉफ्टवेयर, ऐसा ना पूछो यार, झट से बना दूं। ये जिंदगी प्यारी तू जाने मैं क्या चाहूं, ये हाल किसे बतलाऊं, आर्टिफिशियल सबके मुस्कान है, मैं जाऊं कहां। ये जिंदगी प्यारी। लाइफ मेरी मस्त रहे, बाकी सब पस्त रहे, हाईटेक की जिंदगी हो, स्टाइल मेरी मस्त रहे, आउटगोइंग में शोर हो, डांसिंग का फ्लोर हो, मस्ती की रात हो, यारों का साथ हो, ये जिंदगी प्यारी। होता रहता ऑफिस में टॉर्चर, फाइल देख हो गया मैं पंचर, मैं गूगल पे डाला मेरा मैटर, काम ही गया मेरा भी एक वंडर, मैं रुपए का कूपन थामा, मेरे दिल में बजा जैसे गाना, शुक्र रब का अदा फिर किया मैं, जेब में रख कूपन चल पड़ा मैं, ये जिंदगी प्यारी। ना पूछो क्या क्या किया, 12 घंटे काम किया, घर में ना आराम था, ऑफिस में बस काम था, गूगल पे क्लिक किया, फॉरेन जाना फिक्स किया, सोचा था जाऊंगा वहां, नाम कुछ करूंगा वहां, पर सब बेकार हुआ, भेज फिर खराब हुआ, सोचा था क्या करूं, किसको मारूं किसको पीटूं, मेरा तो माइंड ही खिसक गया, नौकरी में पैसा नहीं, काम का भरोसा नहीं, मैनेजर को खूब बोला, फोन अपना वही तोड़ा, नहीं करनी है नौकरी, अरे मैंने ये क्या कर दिया, नौकरी तो गई भैया लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैनेजर ने आके बोला कांग्रेचुलेशन यू आर प्रमोटेड। अरे तालियों की गूंज उठी, ऑफिस में धूम मची, ऐसे में कंफ्यूज हुआ, माइंड जैसे फ्यूज हुआ, ये क्या हो रहा था मेरे साथ, मैं कुछ समझ ही नहीं पाया, मम्मी मेरे साथ ये क्या हो रहा है? अच्छा कोई बात नहीं बेटा, इस उम्र में ऐसा अक्सर हो जाता है, मैंने तो पहले ही कहा था शादी कर ले,
फिर से कंफ्यूज हुआ, माइंड मेरा फ्यूज हुआ, फिर से कंफ्यूज हुआ, माइंड मेरा फ्यूज हुआ। दिल ने कहा शादी के बारे में सोच जरा, मेरी शादी की रात चली आई, मेरे घर में बजी शहनाई, मैंने फूल से सेज सजाया, अपनी दुल्हन लेके आया, मस्त एक्साइटमेंट हो रहा था, मेरा दिल गा रहा था, उसने दूध का गिलास था संभाला, मैंने झट से गले में उतारा, मैंने प्यार वाला मूड भी बनाया, अपनी बाहों में उसको सुलाया, लेकिन जब प्यार में करके मेरे माइंड में कुछ चल रहा था। और क्या, क्या हुआ भाई? भाई ऐसा क्या हुआ? तो और क्या होता भाई? प्यारी प्यारी ये जिंदगी भी परेशान हुई, नींद भी हराम हुई, कुछ ऐसे मुंह खोला वो डॉक्टर, मैटर ऐसा क्लोज हुआ, बीबी मेरी चली गई, बंद हुआ प्यार वाला चैप्टर। ये जिंदगी बैंड बज गई, ये जिंदगी वाट लग गई, आई जिंदगी में मैं तो लुट गया। हाँ। यही मेरी कहानी है भाई, मेरी सगी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। पाकिस्तान वालों को भी इतनी मुश्किलें नहीं होती होगी प्रो। तुम लोग अपने दिल की सुनो, लाइफ सिक्योर करने के लिए जॉब मत करो। वही किया था इसलिए तो यहाँ लाके डाल दिया। अरे तुम परेशान क्यों होते हो यार, लड्डू भाई है ना, वो देख लेंगे, डोंट वरी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। अरे लड्डू भाई के आदमी आ गए। ये राज के बेल के पेपर्स हैं। भाई अपने लड़के हैं, देख लो ना। इसी तरह हमारी जिंदगी में तूफान की तरह राज की एंट्री हो गई। शहर में चार युवक नकली बियर बनाकर सप्लाई कर रहे थे, जिन्हें आज पुलिस ने पकड़ लिया है। ये ऑनलाइन बियर सप्लाई कर रहे थे, पुलिस ने बियर को जब्त कर लिया है और चारों युवक इस वक्त दो महीने में तुम्हारी और राहुल की शादी है, अब कुछ नहीं हो सकता, जाओ अपने कमरे में जाओ। हमारा नाम खराब कर दिया तूने, तेरी वजह से शौर्य बिगड़ जाएगा, तेरा घर छोड़ के जाना ही सही है। हेलो आर्या, तुम जेल गए थे? हाँ क्या हुआ? इडियट, ऐसा क्यों किया तुमने? मेरे पापा राहुल से मेरी शादी करवाना चाहते हैं। ठीक है उसी से कर लो। बहुत फेमस हो गया है, बिना माँ का बेटा, इसलिए तुझे बहुत लाड प्यार किया मैंने। और तूने क्या किया? कहाँ जा रहे हो बेटा? रोज रोज यहाँ बैठकर मैं बोर हो रहा हूँ माँ, थोड़ी देर फ्रेंड्स से मिलकर आता हूँ। इतने दिन हो गए एक दोस्त नहीं आया तुझसे मिलने। उनकी भी तो खुद की टेंशन होंगी ना माँ, छोड़ो ना। मैंने तुझे कितनी बार समझाने की कोशिश की पर तू समझता नहीं, पहले अपनी हेल्थ पर ध्यान दे। मम्मी आप चिंता मत कीजिए, आप खुश रहिए ना, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं यूं जाकर यूं आ जाऊंगा, ठीक है ना? आप मेरा यहीं पर वेट कीजिए। ए ये क्या है रे, पेड़ पौधों में कहाँ लेकर जा रहा है मुझे है? वैसे मेरे दोस्त का ख्याल रख रहे हो या नहीं? क्यों तेरा दोस्त दूध पीता बच्चा है क्या? पूरे घर में आवारों की तरह घूम रहा है, और उसने जैकेट क्यों डाल रखी है? धूप में जैकेट क्यों पहना है यार? पता नहीं यार बहुत ठंड लग रही है। और बिनी ट्रीटमेंट की वजह से पूरे बाल झड़ रहे हैं। कोई नहीं यार सब सेट हो जाएगा। कैसी है भाई हमारी माहिष्मती? बकवास है, चलना सरप्राइज है। जाओ ना। क्या उसमें से जाऊं? हाँ मैं कोई चूहा हूँ क्या जो इस बिल से जाऊं? हैं चूहे? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, जल्दी अंदर आओ ना। चल आराम से आराम से। अम्मा आ जाओ आ जाओ। अम्मा शौक हो गया ना? अरे ये क्या इतनी अजीब सी जगह है? ऐसी ही है, यही है हमारी बियर फैक्ट्री। टन टन कबूम। कबूम? कबूम का मतलब बताओ? पता नहीं। बूम, पीने वाला बैंग हो जाता है, एक्सप्लोजन, इतना क्रेजी है। पियो ना। पीना भाई ओपन कर। आप भी पीकर ब्लास्ट हो जाओगे, आप पहले पियो। हाँ? पियो पियो पियो। ये पियो ना। कुछ होगा तो नहीं ना? पी जाए। अरे गुट लगा के तो देखो। हाँ?
कैसी है? माइंड ब्लोइंग है ना? कबूम हाँ? मैंने कभी जिंदगी में ऐसी बियर नहीं पी। और है क्या? लेकर आ, जल्दी लेकर आ, लेकर आ, जल्दी ला, जल्दी लेकर आ। चलो अब मेरी तरफ से पार्टी, सब मिलकर चढ़ाते हैं। चलो, बिल्कुल, आ जाओ। यारो शाम आज की है बड़ी कमाल की, यारो शाम आज की है बड़ी कमाल की, दोस्ती इस दोस्ती में जिंदगी है यार की, दोस्ती इस दोस्ती में जिंदगी है यार की, यारो शाम आज की, यारो शाम आज की, यारो शाम आज की है बड़ी कमाल की, अरे 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 अरे, यारो शाम आज की है बड़ी कमाल की, यारो शाम आज की है बड़ी कमाल की, बात ये बताने को कैलाश चले जाएंगे, दोस्ती का रिश्ता हम स्वर्ग तक निभाएंगे, बैठ वहाँ हम अपनी महफिल सजाएंगे, बैठ वहाँ हम अपनी महफिल सजाएंगे, दोस्ती है जिंदगी है, दोस्ती है जिंदगी है, यारो आज शाम की है बड़ी कमाल की, यारो आज शाम की है बड़ी कमाल की, दोस्ती इस दोस्ती में जिंदगी है यार की, दोस्ती इस दोस्ती में जिंदगी है यार की। यार मुझे हमेशा ऐसे ही तुम्हारे साथ रहना है। अरे क्या यार, ये तुझे कुछ नहीं होगा, हम सब तेरे साथ रहेंगे, तू खुश रहेगा, समझा? हाँ। भाई लाइफ में टॉर्चर बहुत ज्यादा ही हो गया है। हाँ भाई, लाइफ रेस्टलेस हो गई है यार, हमें कुछ करना चाहिए। अरे जो भी होगा हम मिलकर करेंगे ना भाई। ऑब्वियसली। अरे यार लाइफ में तुम कुछ भी करो पर मेरी तरह कॉर्पोरेट जॉब मत करना। हमें उतनी हिम्मत भी नहीं है भाई। अच्छा लाइफ का मतलब क्या है? मतलब एक सिंगल वर्ड में लाइफ का मतलब क्या है? फूड, बियर, म्यूजिक यार, दोस्त यार। क्या बात बोली। यार हम सब मिलके एक जगह क्रिएट करते हैं जहां हमारे जैसे दोस्त लोग आके अच्छी म्यूजिक एंजॉय करें, अच्छा खाना खाएं, बियर पी के खुश होके जिंदगी एंजॉय करें। क्रेजी आइडिया है यार। hey, बहुत अच्छा है यार। यार जय लाइव म्यूजिक प्ले करेगा और बियर हम बनाएंगे। अरे तो मैं क्या करूंगा? अरे शेफ तो तुम हो ना, अभी इतना मस्त खाना खिलाया था। जैसे अच्छा अभी तो इतना अच्छा बनाया। हाँ। अच्छा इतना अच्छा था। अरे कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ के तुम भी तो यही करना चाहते हो ना, और तो करो ना। हाँ बिल्कुल सही है। क्या मैं कर पाऊंगा? अरे ये सब किसने बनाया? किया बताओ, किसने बनाया ये सब बताओ। सीरियस हो ना? हाँ भाई एकदम फिक्स करो। आओ चीयर्स करो। चीयर्स। धूम मचाएंगे, बराबर मचाएंगे। हाँ एकदम। यार रेस्टो बार सेटअप के लिए इस बार लीगली जाएंगे या इस बार हम पे किसी की उंगली नहीं उठनी चाहिए? और उसके लिए क्या क्या चाहिए? लिकर लाइसेंस, फूड लाइसेंस और लोकेशन। अरे वो सब नहीं, पहले पैसे। ए पेशेंट उधर आओ। सुनो मेरी सैलरी स्लिप और घर के पेपर दिखाएंगे तो आसानी से लोन मिल जाएगा। तुझे ये करने की जरूरत नहीं है। अपनी मर्जी से कर रहा हूं मैं। अगर कुछ दिन और यही नौकरी करता रहा तो तुम सब मिलके मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज दोगे। और वैसे अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अपनी जिंदगी को खुद के टर्म्स पे एंजॉय करना चाहता हूँ मैं। सुपर्ब यार, पहले मैं और ध्रुव राज के पेपर्स लेके बैंक में लोन अप्लाई करेंगे। मैं और आर्या लोकेशन सर्च करेंगे और मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बाय। अच्छी जगह है यार। जगह अच्छी लग रही है ना, मुझे तो बहुत पसंद आई और लोकेशन भी सही है, मेन रोड पे ही है। वहां पर राज के लिए किचन सेट लगवाते हैं और यहां बंटी और ध्रुव ब्रूरी सेटअप कर लेंगे। मेरे डैड ने नेक्स्ट मंथ 18th को मेरी और राहुल की एंगेजमेंट फिक्स कर दी है, वो मुझे बाहर ले जा रहा है। और मैं ना लेफ्ट साइड में प्लेटफॉर्म पर लाइव म्यूजिक सेटअप कर लूंगा। ओके। अरे क्या हुआ? ए, कुछ नहीं हुआ यार। तो प्रॉब्लम है क्या? बता लाइव म्यूजिक कहाँ पे जाएगा? वहाँ कैसा रहेगा?
सर हम बहुत ही सिंसियरली ट्राई कर रहे हैं सर, सब कुछ लीगली कर रहे हैं सर, कुछ भी करके लोन सैंक्शन करवा दीजिए ना सर, प्लीज सर। ओके बॉयज, पेपर्स बिल्कुल क्लियर हैं, एक बार एडवोकेट को दिखाकर लीगल ओपिनियन लेकर फाइनली मैनेजर से अप्रूवल लेकर आपका लोन सैंक्शन करेंगे। मतलब अभी ये सारे प्रोसेस करने में कितना टाइम लगेगा? आपके सारे पेपर्स जेन्यून हैं, इट टेक्स मैक्स 1 वीक, हो जाएगा। 1 वीक? एक हफ्ते में हो जाएगा ना सर, क्योंकि हमारे दोस्त का ऑपरेशन है सर। हाँ सर। बॉयज फॉरगेट अबाउट लोन, जाकर बाकी चीजें देख लो, लोन तो तुम्हारा हो ही जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। हैदराबाद में हमारी बियर मस्त फेमस है, आपको टेस्ट करना होगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अरे सही है यार, लोन का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब हम लोग जय का ऑपरेशन करवा सकते हैं। हाँ यार, वो बस जल्दी नॉर्मल हो जाए। हे, रेस्टो बार ओपन कर सकते हैं। अरे फाइनली राज अब टॉर्चर वाली जॉब छोड़ सकता है। हे, उससे पहले राज को रिपेयर करना है, चल। रिपेयर? हे, जरा वहां साइड में लगाना भाई, दो लाइट्स ये ले। चीयर्स। चीयर्स। यार गीता किसी और के साथ घूम रही है, तेरा फोन दे, आर्या को बताता हूँ। भाई आप ये काम कीजिए ना, ओनर से बात करके लीज कम करवा दीजिए ना प्लीज। यार आर्या, तेरी गीता किसी और के साथ घूम रही है। अरे छोड़ यार, उसकी किसी और के साथ एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। क्या? वैसे तुम लोग यहाँ आ जाओ, और हाँ जय को मत बताना। ठीक है ठीक है, हम नहीं बताएंगे। यार गीता की उसके साथ एंगेजमेंट हो गई है। अच्छा, चल चल के बात करते हैं उससे। हाँ चल। ध्रुव तू यहीं पे रुक, मैं जाके उन्हें परेशान करके आता हूँ। ओह वाओ, सो क्यूट, ओह सुपर्ब, ओहो वाओ। तुम जानती हो इसे? कमाल की फोटो आ रही है। वंडरफुल फ्रेमिंग। सुपर्ब। क्या हो रहा है ये? बड़ी फोटोस ले रहा है ट्रैफिक पुलिस की तरह। क्यों, तू चलान भरेगा? तसल्ली मिल गई ना? मैं फ्लैग के साथ सेल्फी ले रहा हूँ। hey, तू जानता नहीं मुझे। hey, चल। हाँ नहीं जानते, क्या करेगा? Don't mess with me. मैस जाएंगे, मील्स खाएंगे, तुझे क्या? अरे कोई काम धंधा नहीं तो जाके काम कर लो कहीं। चल बे निकलना। चल जाना, जा। चल बे। देख लूंगा तुम्हें मैं, छोड़ूंगा नहीं। तेरे पैंट पे कुछ लगा है, पहले उसे साफ कर। चैतन्य? या। हाय, दिस इज प्रिया। इंटीरियर डिजाइनर हो ना? या, राज सिन्हा ने भेजा है। हाँ, उसने बताया था मुझे। हेलो 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 सर, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ बोल रहा हूँ सर, मुझे ये जॉब पसंद नहीं सर। क्या खाना हजम नहीं हो रहा है? अरे खाना नहीं सर, जॉब, जॉब पसंद नहीं है सर। क्या कह रहे हो, तोता नहीं उड़ रहा है तुम्हारा? तेरा तोता नहीं उड़ रहा तो मैं क्या करूँ, हीटेड कहीं का? अबे तोता नहीं पहरे, जॉब, जॉब से रिजाइन कर रहा हूँ मैं। क्या नया प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हो? ओह माय बेबी, गुड 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 गुड। जॉब बंद करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। बंद करोगे? ये कोई कॉलेज है कि बंक करोगे? हाँ पागल बहरे। आलू? हाँ आलू, आलू ही निकाल के कान में डाल ले अपने। क्या मेरा ध्यान रखोगे, किस लिए? मैं तेरा ध्यान क्या रखूंगा रे, अमावस्या के दिन पैदा होने वाले एनाकोंडा। क्या मणिकोंडा आए हो, वो क्यों? मैं तेरी जान लेने आ रहा हूँ, रुक तू। आशीर्वाद लेने? ठीक है आ जाओ आ जाओ। ओ माय बेबी, कितने अच्छे हो तुम। अबे एनाकोंडा, आकर तेरी क्लास लगाता हूँ मैं। क्या कहा, कोटे? कोटे को क्या हो गया? ओ बहरे फोन रख, हट पागल। ये कोटे को क्या हो गया? सर बहरा कहाँ है? राज
तुमने कहा था ना कोड ओके हो गया। 4x4 के डब्बे में बंद करके क्रिएटिव कैसे सोच सकते हैं गधे। बकवास बंद कर और निकल यहाँ से। तू क्या निकालेगा मुझे, मैं खुद छोड़कर जा रहा हूँ तेरी नौकरी। राज, यू आर प्रमोटेड, कॉन्ग्रेट। तुम्हें 2 महीने के नोटिस पेपर में बाहर निकालता हूँ। 2 महीने के नोटिस पीरियड पे बाहर निकालेगा। पहले फर्स्ट मंथ, पहले सेकंड मंथ। मर जा। अरे बाप रे। अपना कान साफ कर लियो बहरे। क्या ये? उसने तो कहा था कि ध्यान रखेगा। ये कौन सा टैटू है? वो एक बड़ी स्टोरी है, मैं बाद में बताऊंगा। नॉर्थ ईस्ट में किचन सेट करते हैं। बेबी, रेस्टो बार के सारे काम जल्दी हो रहे हैं। अरे यार, लैपटॉप देना। अरे रुक यार, बात कर रहा हूँ ना। दे ना। अरे बात तो करने दे सौम्या से। हे सौम्या। हाय। बस 5 मिनट। ओके। अरे तू कर क्या रहा है? राज की फोटो मैट्रिमोनी साइट पे लगाई है। वाओ। अरे ये कहाँ लेकर जा रहा है तू? तू रुकना भाई, मैं सेट कर दूंगा सब। अरे तुम लोग जब से मेरी जिंदगी में आए हो, मेरे लाइफ की बैंड बजा दी है तुम लोगों ने। ये कहाँ लेकर आया तू मुझे? क्या है ये सब? अबे तू चल ना, कुछ नहीं होगा। आजा। वो दोनों कौन है? मस्त है ना भाई, ये उनकी असिस्टेंट है। ये क्या है यार? या इलाही, मुश्किलात कबीरा। तू रुक यार। कुला तो गालिक। कौन सी भाषा बोल रहा है ये? हटोश का कदराश मेमरी अल हुसू। ये सब क्या हो रहा है? हटोश का कदराश। टू मच प्रॉब्लम। हटोश का कदराश मेमरी अल हुसू। हटोज का कतराज आदोर पगड़ी, यादोर पगड़ी। अब उठेगा, देखो, देखो। अरे पैंट टाइट हो गया। वंडरफुल भाई। नमस्कार स्वामी। मजे करो। ए भाई, ये देख राजू का आलू। क्या हुआ यार? अबे इसे कहीं देखा यार? यार राइट को लेफ्ट से इंटरचेंज करते हैं। विल कीप इट सिंपल। सब कुछ बर्बाद हो गया यार। क्या हुआ यार? क्या हुआ यार? अबे इसे कहीं देखा है ना? गीता का फियांसे है। अच्छा तो वो है। अरे ये तो कॉन्डम्स ले रहा है। इसकी जॉब का। आजा। ए, उस लड़की को भूल जा। लड़की को भूलना तो मुश्किल है, लेकिन अभी धीरे धीरे सब सेट हो रहा है। क्या सेट हो रहा है बे? सबके लिए। ए, ऐसा मारूंगा कि मुझे सारी जिंदगी याद ए, मेरे बैंक से ही नहीं, तुझे किसी भी बैंक से लोन नहीं मिलेगा। दरअसल पॉइंट ये है कि जिस बैंक में हमने लोन अप्लाई किया है ना, उसका मैनेजर है वो, और उसने चैलेंज भी किया है कि उसी बैंक से नहीं,
सिटी के किसी भी बैंक से हमें लोन नहीं मिलने देगा वो। सब बर्बाद हो गया। सॉरी राज, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। तुम्हारे भरोसे पे मैनेजर को मार कर आया था। अरे भाई रुक जा, जानबूझ के कुछ नहीं किया। अरे यार ऐसे मत हो यार। आप रुको भाई, अब जय के ऑपरेशन के लिए पैसे कहां से लाएंगे? तू अपना रोना बंद कर, अपना साइज और अपना पर्सनैलिटी देखा तूने? कदा कहीं का तेरी अकल और तेरी परफॉर्मेंस का कोई संबंध नहीं है। टोटल डिस्कनेक्ट, सबने मिलकर मुझे फंसा दिया। अरे ध्रुव रो मत यार, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे सब मिलकर उसके पैर पड़ो। अरे ध्रुव ध्रुव, अरे रो मत यार, कुछ नहीं होगा। भाई अब हम क्या कर सकते हैं? पहले तुम निकलो यहाँ से बाहर, निकल जाओ यहाँ से, मैं बोल रहा हूँ। इन चारों गधों के चक्कर में मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। यार हमने कितनी मेहनत करके ये बियर बनाई। यार जिसने भी हमारी कबूम बियर पिए वो हर रोज वेबसाइट पे जा रहा होगा। अरे रोज के 3 बार ऑर्डर करते थे यार। हाँ यार रोज पीते थे? रोज, और नहीं तो क्या। हाँ भाई तुमने टेस्ट भी तो की थी, तुम्हें पता नहीं क्या? लड्डू भाई। कौन? लड्डू भाई। अरे जिन्होंने तुम्हें बेल दिलवाई थी यार। हाँ बेल दिलवाई थी। ओके 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 ओके। हाँ लड्डू भाई से फाइनेंस मांग सकते हैं। फिर और क्या, तो लड्डू भाई से फाइनेंस के लिए पूछते हैं ना। इतना आसान काम नहीं है। क्यों? अगर हर महीने ब्याज नहीं दिया तो हड्डियों का चूरा बना के बियर में मिक्स करके बाहर बाजार में बेच देगा वो। मजाक में मत लेना उसको। यार अभी हम पे या हमारे आइडिया पे थोड़ा भी शक होकर अपना कदम पीछे हटाए ना तो लोगों की बातें उनकी सोच सब सही हो जाएंगे, लाइफ बेकार हो जाएगी। यार हम कुछ करने के लायक बचेंगे ही नहीं। लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क क्या होता पता है? कोई रिस्क ना लेना, समझे? चल लेते हैं। लेते हैं भाई। लेते हैं ना भाई, फिक्स है भाई। लेते हैं ना भाई। लेते हैं ना भाई। भाई लेते हैं ना। फिक्स है? फिक्स है भाई। ए तुम्हें अंदर किसने आने दिया? सिक्योरिटी, बुला सिक्योरिटी को। क्या ये सब? कौन आएगा? फाइल निकाल के दे। कौन सी फाइल? मैं कोई फाइल नहीं दूंगा। कौन सी फाइल? कौन सी फाइल? मुझे जानते हो, धमकी दे दिया, लोन पास नहीं करेगा। मार इसको, दे उसको। अरे एक और। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है देता हूँ। फाइल दे। हाँ जल्दी। सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब परफेक्ट है। तेरी तो। ए दोबारा गीता को फोन किया या टॉर्चर किया तो यही जमीन में गाड़ दूंगा। तो मेरी एंगेजमेंट? ए कौन सी एंगेजमेंट? वो इसकी बंदी है, शादी के बाद भी उठा लेंगे। जादे चलो छोड़ दो, आ जाए। पैसे लेकर आओ। दे दो। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। हेलो। हाँ पांतली इंटरेस्ट, नहीं तो जानते हो ना हड्डियां नहीं रहेंगी, समझ गए ना? हाँ, पक्का सर, पक्का सर, बेफिक्र रहिए सर, 100% भाई, पक्का मिल जाएगा। भाई बाय। दो दिन का टाइम दे दीजिए, मैं दे दूंगी। मैडम ऑलरेडी आपके 2 डेज हो चुके हैं, हमारे भी तो रूल्स होते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए, 2 दिनों में जरूर दे दूंगी। नहीं मैडम, हमारे भी रूल्स होते हैं, आपको आज पे करना ही पड़ेगा। आंटी इधर आइए ना। जय के ट्रीटमेंट के लिए पैसे भर दीजिए आंटी। ये लीजिए ना, लीजिए ना, लीजिए ना आंटी। अरे आप रोइए मत आंटी, आप हमें डांटते हुए ही अच्छी लगती हैं। आंटी डोंट वरी आंटी, जय ठीक हो जाएगा। पहले अब जाके पैसे भर दीजिए, जाइए पैसे भर दीजिए। ये लीजिए। अरे आंटी आप भी, आप भी ना आंटी।
मेरे फ्रेंड का ऑपरेशन कब कर रहे हैं? कुछ दिन में यूएस से डॉक्टर आ रहे हैं, लेकिन आपको दोबारा याद दिला रहा हूँ, इस ऑपरेशन का सक्सेस रेट सिर्फ 5% ही है। सो जय को ऑपरेशन से पहले जितना ज्यादा खुश रखे उतना ही अच्छा है। नाइस शर्ट, कल ही ऑनलाइन खरीदा है। आपके आपके भाई आए थे, आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। अभी वही मेरी फैमिली है। आपको ओके है तो आप और आपकी बेटी। यार 10 तक तो आ जाना चाहिए था। भाई एक बात बताऊं, वो तो पक्का यहाँ नहीं आने वाली। यार देखना, यहाँ इतनी बड़ी शादी हो रही है और तू उसके बारे में सोच रहा है। चल तू थोड़ा लाइट ले लेना यार, चल चल ना। सॉरी सॉरी। अच्छे से बोलो। सॉरी। और अच्छे से बोलो। सॉरी मेरी मौत, सॉरी सॉरी। अगर मैं उसे शादी कर लेती तो जान ले लेता। लव यू बेबी। तुम्हारे पापा ने भेज दिया बाहर? तुमसे प्यार किया है, भेजना तो पड़ेगा ना। अच्छा। जो सोचा था कभी वो प्यार मेरा, बरसों बाद ये पल हैलाया ये मौसम। जो भी थे सपने वो अपने अब हुए, आई है खुशियाँ अब अपने जीवन में। सोचा नहीं कभी कहीं प्यार तेरा मिलेगा, सुना सुना ये दिल कभी प्यार से खिलेगा। जो चाहा वो पाया है, सब कुछ जमाया, मेहनत से है हमने यहाँ बनाया है अपना जहाँ, मोहब्बत भरा ये जहाँ। झूमे ये दिल जो मिली है खुशी, प्यार की महक से ये सजी जिंदगी, हमने जो अपना जहाँ बनाया है, दिल बड़े दिल से इसे सजाया है। यहाँ यहाँ बस प्यार ही प्यार, दिल ये दिल ये दिल ये तेरा। दादाजी कैसा है? ये क्या है बेटा, इससे अच्छा तो तुम्हारी माँ के हाथ का खाना है। खुशी की लहर से भरा जिंदगी का सफर, खुशी ही खुशी से खुशी की लहर से भरा जिंदगी का सफर, खुशी ही खुशी से खुशी की लहर से भरा जिंदगी का।
आगे खोलना जय। नॉर्मल पर्सन के लिए लाइफ टाइम की मेमोरीज मुझे मेरे दोस्तों ने 25 साल में ही दे दी। मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है। सो मेरी आखिरी सांस खुशी से लेकर जाऊंगा। हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे। लाइफ का मतलब क्या है पता है तुझे? ए, हमें लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन हो, अरे चाहे भूकंप भी क्यों ना आ जाए, हम हमेशा साथ में रहेंगे यार। प्रॉमिस। यार मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। लाइफ का मतलब क्या है जरा बता। दोस्ती यार। क्या बात कही। ये तो रो रहा है यार। यार प्लीज रो मत। अरे यार छोड़ ना, कोई बात नहीं, मत रो, रो मत। मेरे पापा जब सर्विस करते थे तो उन्हें बेस्ट एम्प्लॉयज का अवार्ड मिला था, तब वो बहुत खुश हुए थे यार। अरे कोई बात नहीं यार, यार प्लीज सब ठीक हो जाएगा। रो मत यार, इसे नीचे रख। कोई बात नहीं, हम भी बहुत सारी मैचेस खेलेंगे, खूब सारी ट्रॉफी जीतेंगे और अंकल को प्राउड फील करवाएंगे। हाँ यार ये ले चलना, क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, चल। ये बात है। हाँ और क्या? चाहे तो मैं तेरे पापा से बात करता हूँ। अंकल आप आराम से स्वर्ग में बिना किसी चिंता के अमृत पीते हुए चिल कीजिए, बाकी आपके बेटे जय को हम देख लेंगे। जय का ध्यान एक एक करके अब हम सब रखेंगे। हाँ यार ठीक है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैं देख लूंगा और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मैं देख लूंगा बस। अरे चल, मेरे लिए सिर्फ संडे। हाँ ये अनफेयर है, मैं भी 3 दिन इसका ख्याल रखूंगा। भाई तू अपने पापा से मार खाना बंद कर, उसके बाद देख लेना। अच्छा और क्या। हे हे नहीं नहीं बुला कर दिल मेरा तोड़ा, राह वफा में मैं तन्हा रहा। तुम हंसते हंसते जीते रहे पर यादों में तेरी मरते रहा। दामन हाथों से छूट गया, दिल मेरा तू लूट गया। है जहर यूं ही पीना तुझे, मौसम सुन क्या कहे। फिर भी तुझ रहना, यही जीना यही मरना। जिसके लिए तड़पे है तू, शायद वो दिल नहीं, सच है यही। हम जिस कॉलेज में फेल हुए थे, हमारी आइडियोलॉजी को गलत कहा था, उसी कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए एंटरप्रेन्योरशिप पर स्पीच देने के लिए मुझे बुलाया। हम शायद कई एग्जाम्स में फेल हुए थे, लेकिन भगवान की रची हुई सबसे बड़ी एग्जाम में हम डिस्टिंक्शन से पास हो गए। उसी एग्जाम का नाम है लाइफ। लाइफ की कोई श्योरिटी नहीं है, किसी को भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो जब तक आप जिंदा हो, अपने मन की सुनकर सपने हासिल करके हंसी खुशी से रहो, चाहे जितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए। आखिर मौत ही क्यों ना आ जाए, एक दूसरे के साथ रहकर खिलखिलाते हुए उसका सामना करते रहो, क्योंकि जो वक्त चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। फाइनली लाइफ का हर सेकंड कंप्लीटली जीकर लाइफ को ब्यूटीफुल मोमेंट से बस भर दो, क्योंकि जब हम दुनिया छोड़कर चले जाते हैं तब कुछ भी नहीं ले जाते, सिर्फ यादों के सिवाय।
भी थे सपने वो अपने अब हुए, आई है खुशियाँ अब अपने जीवन में। सोचा नहीं कभी कहीं प्यार तेरा मिलेगा, सुना सुना ये दिल कभी प्यार से खिलेगा। खुशी खुशी से खुशी की लहर से भरा